अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामति कहे ए मोमिनो, ए शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े को बुनियाद, हजरत हज इत करी। अक्षरती धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से वर्णन करवा रहे हैं। अब प्रसंग प्रारंभ होता है। सूरत में 500 सुंदर साध श्री जी के चरणों में आ जाते हैं और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि धाम धनी, आप जागने के लिए आगे चलिए, हमारा तन मन धन आपके चरणों में समर्पित है। इसको कहते हैं झगड़े की बुनियाद। विवाद क्या है? दो विचारधाराओं का विवाद है। एक विचारधारा चाहती है कि वाणी का ज्ञान ढपा रहे, एक विचारधारा चाहती है कि वाणी का ज्ञान फैले। जो पहली विचारधारा है वो गादी के नाम पर अपना वर्चस्व चाहती है, वो वाणी और अक्षरातीत की महिमा को उजागर नहीं होने देना चाहती। श्री प्राणनाथ जी का एक ही लक्ष्य है, मूल स्वरूप अक्षरातीत की पहचान कराकर सभी आत्माओं को जागृत करना। यहाँ से बिहारी जी और श्री प्राणनाथ जी की दो शाखाएं हो जाती है। थे हम दो बेटे एक नस्ली और नजरी, किरंतन में एक चौपाई आती है, लड़ झगड़ जुदे हुए देने मसनंद पैगंबरी। गादी बात जहाँ होगा वहाँ वाणी का फैलाव नहीं हो सकता। वाणी वहाँ न पसरी उस वक्त उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन न सके एक सुकन। बिहारी जी की कृपा ऐसी बनी रही कि कोई भी सुंदर साथ नौतनपुरी में वाणी का सुख ले नहीं सका। अब बिहारी जी का यही प्रयास है कि पूरे देश में कहीं भी वाणी का प्रकाश न होने दिया जाए, क्योंकि गादी पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी महिमा को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। वह सोचता है कि ज्ञान फैल जाएगा, हर कोई जानकार हो जाएगा तो मेरी महत्ता क्या रहेगी। हजरते हजित करी लेने को मक्का, फदे करी दज्जाल की कूच किया दारुल बका। कतई परंपरा में एक घटना है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में प्रकट हुए तो उनका कट्टर विरोधी था अबू जहल, जिसको कहते हैं अबू जहद, मूल नाम अबू जहद है। वो अद्वैतवाद को स्वीकार नहीं करता था, एक परमात्मा के सिवाय अन्य के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं को वो मानता था, जबकि मोहम्मद साहब एक अद्वैत परमात्मा का संदेश दे रहे थे कि एक अल्लाह के सिवा किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। दोनों में जब टकराव बढ़ता है तो वर्चस्व तो था अबू जहद का, मोहम्मद साहब को अपने प्राण संकट में देखकर उन्हें मक्का छोड़ना पड़ा,
क्योंकि मोहम्मद साहब के बहुत से कट्टर विरोधी हुए हो गए थे। मक्का से वो मदीने आते हैं। मदीने में मोहम्मद साहब के काफ़ी अनुयायी हो गए और उन अनुयायियों की एक सेना तैयार की मोहम्मद साहब ने। मक्के पर धावा बोला गया जिसमें हजरत अली के द्वारा अबू जहद का वध हुआ और इसके पश्चात पूरे मक्के पर मोहम्मद साहब का अधिकार हो गया और मोहम्मद साहब ने जो 360 बुत रखे थे वहाँ सबको फेंकवा कर एक अद्वैत परमात्मा की उपासना का विधान कर दिया जो आज तक इस्लाम में चला आ रहा है। इसको बातिनी रूप से घटाइए, हजरते हज इत करी। हजरत कौन है? श्री प्राणनाथ जी। हज करना, हज करना यानी प्रस्थान करना, लेने को मक्का। मक्का क्या है? नौतनपुरी मक्का है। श्री बिहारी जी के अंदर परमधाम की आत्मा तो है लेकिन कलयुग रूपी अज्ञानता रूपी दज्जाल उनके अंदर बैठा हुआ है। वो अज्ञान क्या चाहता है? कि वाणी का प्रकाश न हो। फतेह करी दज्जाल की, कूच करे दारुल बका। अब श्री प्राणनाथ जी जाहिरी गद्दी को नहीं लेंगे, बातिनी गद्दी क्या है? जो श्री देवचंद जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप की बैठक थी वही बातिनी गद्दी है। बिहारी जी तो जाहिरी गद्दी पर बैठे हैं, रूई की गद्दी पर बैठे हैं और रूई की गद्दी में कोई भी शक्ति नहीं होती। आज महिमा किसकी गाई जा रही है? जाहिरी गद्दी की, कि अमुक गद्दी पर ये महाराज बैठे हैं, अमुक गद्दी पर ये बैठे हैं। हमारी आत्मा का हृदय अक्षरातीत का सिंहासन है। आप सागर में झूम झूम कर गाते हैं, पूरा देश गाता है लेकिन कोई नहीं सोचता कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। हमारे दिल को धनी ने अर्श बनाया है, इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान। और वाणी का प्रकाश न होने से हम लकड़ी और रुई की गादी पर सिर पटकते हैं। उस गादी में क्या रखा है? जो हमारी आत्मा के धाम हृदय में सिंहासन बसता है अक्षरातीत का, उस सिंहासन को तो हम सजाते नहीं, मांगते हैं उस निर्जीव गादी से जिसमें कुछ कुछ नहीं रखा है, जिसको एक कारीगर ने, एक लोहार ने और एक बड़ी और एक दर्जी ने बनाया होता है। लोहार और एक बढ़ई और दर्जी की बनाई हुई गादी पर हम मत्था टेकें और अक्षरातीत ने हमारी आत्मा के अंदर अखंड रूप से अपना सिंहासन बनाया हुआ है, हम अपनी अंतर्दृष्टि खोलकर अपने सिंहासन पर बैठे हुए अपने प्राणेश्वर को नहीं रिझाएं तो गुनहगार कौन है? यही अज्ञानता है। बिहारी जी जाहिरी गद्दी पर बैठे हुए, वंशानुगत प्रभाव है उनका, योग्यता है यह है कि देवचंद जी के सुपुत्र हैं और गद्दी पर बैठकर सब कुछ अपने तानाशाही फरमान को जाहिर कर रहे हैं कि निजी जात को तारतम नहीं देना, विधवा को तारतम नहीं देना, मेरे और तुम्हारे सिवा कोई तारतम न दे, स्त्री जी को यह स्वीकार नहीं। वहाँ से अंतराय पड़ती है लेकिन जो नौतनपुरी में उनके अनुयायी थे वो तो उनको ही मानेंगे। तब केतिक गिरो उधर भई और केतिक मेरे साथ, दई जाहिर मसनंद नसलिए दूजी बातून मेरे हाथ। जाहरी गद्दी पर अधिकार हो जाता है बिहारी जी का और बातिनी गद्दी पर अधिकार है श्री प्राणनाथ जी का, क्योंकि उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप की बैठक है, परम धाम की वाणी उनके तन से अवतरित हो रही है। सब सुंदर साथ उनकी ब्रह्मवाणी का रसपान करके जागनी के कार्य में अपना तन मन धन निछावर कर रहे हैं। 500 की संख्या के साथ अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। इसको कहते हैं हज करना। हजरते हज इत करी लेने को मक्का। मक्का पर जाहिरी अधिकार नहीं, बातिनी अधिकार, कि अक्षरातीत किसके दिल में बैठे हैं, बिहारी जी के अंदर बैठे हैं या श्री महामती जी के धाम हृदय में बैठे हैं। फतेह करी दज्जाल की, जब कूच करे दारुल बका। श्री प्राणनाथ जी वहाँ से सूरज से जागने करते हुए जब पन्ना जी पहुँचते हैं तो पन्ना जी में चारों किताबें उतरती हैं, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार। मार्ग में तरह तरह के ग्रंथ अवतरित होते जाते हैं। जब श्री जी अनूप शहर पहुँचेंगे, प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी, सनंद की वाणी उतरती है। रामनगर में कुछ परिक्रमा के अंश उतरते हैं, चित्रकूट में क्यामतनामा उतरता है। परम धाम की सात किताबें पन्ना जी में
चार किताबें पन्ना जी में उतरती हैं, इसके अतिरिक्त मार्फत सागर भी उतरता है, सिंधी भी उतरती है। अब ये है, सबको पता चल गया कि अक्षरातीत किसके अंदर है, महामति जी के धाम हृदय में, और सबने उनको अपना आराध्य माना, अपना प्राणघन माना, अपना प्राणेश्वर माना कि यही है हमारे अक्षरातीत जो हमारी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। देवचंद जी की गादी पर बैठे हुए बिहारी जी महाराज केवल जाहरी गादी लेकर के बैठे हैं, उस गादी में कोई भी शक्ति नहीं है। इसको कहते हैं फतेह करी दज्जाल की, अज्ञान रूपी जो दज्जाल बिहारी जी के अंदर बैठा था उसको उन्होंने जीत लिया। कुछ करे दारुल बका, दारुल बका कहते हैं पद्मावतीपुरी धाम को, क्योंकि वहाँ अखंड परम धाम की निधि उतरी, परम धाम की चारों किताबें खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, और वहीं बैठे बैठे सब सुंदर साथ ने परम धाम का सुख लिया। इसलिए पद्मावतीपुरी धाम को इस दुनिया में परम धाम की शोभा दी गई, क्योंकि परम धाम की चारों किताबें अवतरित हुई थी और सुंदर साथ ने परम धाम के भाव से ही प्राणनाथ जी को अपना सर्वस्व मानकर उनको रिझाया था। अब शहर मदीना सूरत यहाँ से थी चले, जब सूरत को मदीना कहा गया, अब सूरत से 500 सुंदर साथ का समूह चलता है, जिसमें पहला नाम है श्री बाई जी यानी तेज कोरी जी, जिनका विवाह श्री महामति जी के साथ होता है। अपना सारा जीवन लगा दिया उनकी सेवा करने में। गोवर्धन भाई चलते हैं जो आए थे, अपना तन धन सब कुछ निछावर कर दिया। बिहारी जी की बहन जमुना बाई अपने बेटे छबेल दास जी के साथ चल पड़ती है। बिहारी जी विरोध में हैं, उनकी बहन जमुना बाई ने पहचाना कि श्री मेहराज मेहराज नहीं है, उनके अंदर तो हमारी आत्मा के प्रीतम प्राणनाथ हैं, और तब अपना सारा जीवन तो सेवा में लगाया ही, उनका बेटा छबील दास कितनी कठिन सेवा है। आप अष्टपहर की लीला में सुनेंगे श्री जी जब भी जल आरोगते हैं तो यह सेवा है छबील दास की, सेवा करते करते अपना तन छोड़ा। तीन चीजें सुंदर साथ की अखंड दौलत है। श्री महामत कहे ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सबर इन भी दिरुहे दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर। यहाँ पांच संपत्तियों की चर्चा की गई है, इश्क ईमान शुक्र यानी पल पल धनी को धन्यवाद देना, गरीबी विनम्रता सब्र यानी संतोष, हर पल में हमें संतोष रखना होगा। हमने अपना हाथ राज्य के हाथों में दे दिया है तो सुख हो दुख हो आप विश्वास रखिए कि राज्य जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अब जो तीन संपत्तियों की मैं विशेष चर्चा करूँगा वो है, पहली संपत्ति है ईमान इश्क। जब तक ईमान दृढ़ नहीं होता तब तक इश्क कहाँ से आएगा? ईमान आएगा इल्म से, यानी तारतम वाणी का ज्ञान, मूल स्वरूप के प्रति अटूट प्रेम, अनन्य प्रेम, वैसा प्रेम किसी अन्य के साथ न हो, हमारा रोम रोम उनका हो। और तीसरी चीज है सेवा, इश्क ईमान और सेवा जिसके पास मिल गई उससे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में और कोई भी नहीं। अब देखेंगे सब सुंदर साथ 500 की संख्या है, कौन सेवा में चलेगा? जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा सुनने कौन आएगा? जाके धनिये पकड़े हाथ, नहीं तो सारा संसार तो माया में रला ही हुआ है। गोवर्धन भाई भी हैं, लालदास जी हैं, लालदास जी लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, कुछ नहीं है लालदास जी के पास, जो कभी अरबों पति थे अब उनके पास एक रुपया भी नहीं, लेकिन अपना तन मन सब कुछ निछावर कर दिया है धाम धनी के चरणों में। उनकी एक बेटी है और एक पत्नी है, उनका पूरा कबीला दामाद भी साथ चल पड़ता है कि जब आप चल रहे हैं तो हम क्यों रहें। इसके अतिरिक्त भीम भाई पूरे परिवार के साथ श्री जी के साथ चल पड़ते हैं और सेवा करते करते पन्ना जी में ही अपना तन छोड़ा। ये वो सुंदर साथ हैं जिन्होंने अपना तन मन सब कुछ निछावर कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहचाना कि ये मिहराज नहीं, इसमें तो हमारे श्री राज बसते हैं, और उसी भाव से उन्होंने पन्ना जी में सेवा की। आज सभी मंदिरों में जो भी सेवा की जाती है
उस पद्मावतीपुरी धाम में होने वाली अष्टपहर की सेवा की एक झलक मिलती है। सबने माना कि जैसे हम परम धाम में राजी को जाते हैं, यहाँ भी मीराज के धाम हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत को हम रिझाएंगे। आप देखेंगे कि उसमें कुछ सुंदर साथ ऐसे भी रहे हैं जिन्हें किसी कारणवश माया में आ जाना पड़ा। धाराभाई हमेशा श्री जी के आदेश पर पातियाँ पहुँचाते रहते थे। यह बहुत कठिन काम था। कुछ पारिवारिक संकटों के कारण उनको वापस आना पड़ा। अब ये सुंदर साथ का समूह चल पड़ता है। गुजरात में 4 दिन रुके अहमदाबाद के पास, उसके पश्चात सिद्धपुर गए। सिद्धपुर एक धार्मिक स्थान है गुजरात का। वहाँ एक विंध्य सरोवर है। विंध्य सरोवर में स्नान के लिए श्री जी गए तो वहाँ उनकी भेंट होती है भगवान दास रेवादास से। भगवान दास रेवादास वहाँ के एक पंडा है। आप जानते हैं पंडा लोगों की जीविका क्या होती है। जो भी तीर्थयात्री आते हैं उनको कुछ अपने यहाँ ठहरने भी देते हैं, खिलाते पिलाते भी हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। मूल उद्देश्य होता है पूजा पाठ करवाना। ये बही खाते अपना सारा लिखे रहते हैं कि आपके पूर्वज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप किसी भी धार्मिक स्थान में चले जाइए तो पंडा लोग घेर लेते हैं। वहाँ भी रेवादास को जब गोवर्धन भाई ने एक मुहर दी तो उसको लालच आ गया। वो लालच में कहने लगा कि एक और दे दीजिए। गोवर्धन भाई कहते हैं कि भाई तू ये एक मुहर की लालच कर रहा है, यह तो देख ये कौन है। तू इनसे अखंड का धन मांग। तू एक क्या, यदि तुम्हारी तृप्ति इससे होगी तो मैं 10 मुहरें दे सकता हूँ, लेकिन ये तो मुहरे नश्वर हैं। तुम इनके स्वरूप की पहचान तो कर। तू इतने दिन रहा, 22 दिन श्री जी सिद्धपुर में रहते हैं और भगवान दास रेवादास उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर सका था। लेकिन जब गोवर्धन भाई ने उनको कुछ प्रबोधित किया तो रेवादास की अंतर्दृष्टि खुल जाती है। श्री जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगते हैं कि हे दामदिनी, मैंने आपकी पहचान नहीं की, चलते चलते मेरा कुछ कल्याण कर दीजिए। अब श्री जी कहते हैं कि मैं 22 दिनों तक तुम्हारे साथ रहा, तुमने तो कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की बात पूछी नहीं, अब चलते चलते मैं तुझे क्या बताऊं। छोटी सी बात तुम याद कर लो कि हद बेहद से परे परम धाम में है। उस परम धाम में अक्षरातीत और परम धाम की आत्माओं के बीच में प्रेम संवाद हुआ कि हमारा प्रेम बड़ा है। उसका निर्णय करने के लिए ब्रज और रास में आए। ब्रज रास के पश्चात हम पुनः इस जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं और हमें जागृत होना है अपने मूल तन की याद करके, मूल स्वरूप को याद करके। यमुना जी के अंदर जो जल है वो दूध से भी उजला है, मिश्री से भी मीठा है। याद रखो कि यमुना जी के पूर्व में अक्षरधाम है, पश्चिम में रंग महल है अक्षरातीत का। हौज कौशर में यमुना जी गिरती है, पुखराज पहाड़ से निकलकर हौज कौशर में गिरती है। यमुना जी के ऊपर 7 घाट आए हैं और इनको पार कर रंग महल के चांदनी चौक में से होकर मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं। 4 चौरस हवेलियों को पार कर 5वीं गोल हवेली में युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है, तुम उनका ध्यान किया करो। इतनी मोटी मोटी बातें राज्य उनको बता देते। अब बेचारा था तो पंडा, तत्व ज्ञान तो उसके पास था नहीं। जैसे पंडा लोग कुछ श्लोक रट लेते हैं और उसी से अपना कल्याण समझते हैं पूजा पाठ कराकर, उसने समझा कि ये भी एक मंत्र है और श्री जी की कही हुई बातों को रटता रहता है। कई महीने तक बोलता नहीं है। एक दिन उसकी भेंट केशवदास जी से होती है। केशवदास जी से उसकी घनिष्ठता थी। बातचीत में उसने कह दिया कि एक छत्री इधर आया था, उनके साथ काफ़ी लोग थे, 500 की संख्या थी लगभग। उन्होंने मुझे कुछ अजीब बात बताई।
पूछा कि क्या बात बताए, तो वही कहने लगा कि वो कह रहे थे कि हद बेहद से परे परम धाम है, जिसमें सच्चिदानंद परब्रह्म अपने अनंत आत्माओं के साथ क्रीड़ा किया करते हैं, उनके बीच में प्रेम संवाद हुआ जिसके कारण ब्रजराज में आना पड़ा, अब इस जागने के ब्रह्मांड में पुनः आए हैं। जब तक यमुना जी के किनारे के जो सात घाट आए हैं, जो पुखराज पहाड़ से निकलकर हौज कोसर में गिरती है, जब तक हम यमुना जी को पार कर चांदनी चौक से होते हुए मुख्य द्वार से अंदर चार चौरस हवेलियों को पार कर पांचवी हवेली में युगल स्वरूप जो सिंहासन पर विराजमान है उनकी शोभा को दिल में नहीं बसाएंगे, तब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी। यह सुनकर केशवदास जी कहते हैं कि रेवादास तो सचमुच पंडा ही रह गया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहावत कही जाती है। केशवदास जी को बहुत ग्लानी हुई, कहते हैं वह तो अक्षरातीत था, तुमने करी पहचान, अब मैं उत ही जात हूँ, मुझे आया ईमान। ये ब्रह्मसृष्टि की पहचान है। श्री जी को अपने नयनों से नहीं देखा है, केवल एक शब्द सुनता है कि ये परम धाम का जान देने वाला कौन है, जो हद बेहद से परे परम धाम और युगल स्वरूप की पहचान दे रहे हैं। सीधे कह दिया वह तो अक्षरातीत था, तुमने करी पहचान। आज दुर्भाग्य है हमारे समाज का और उन सुंदर साध का, जो वाणी के मर्मज्ञ कहलाते हैं, वाणी विशारद कहलाते हैं, बीतक की न जाने कितनी दर्जनों कथाएं कर चुके होते हैं, लेकिन वो भी मंच पर क्या कहते हैं कि प्राणराज जी श्री कृष्ण परमात्मा के दूत हैं, भक्त हैं, कवि हैं, महापुरुष हैं, छत्रसाल जी के गुरु हैं, बस इतनी ही तो पहचान जानते हैं। केशवदास परमधाम की ब्रह्मात्मा है। बहुत पुकार करूं किस खातिर, ए तो सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे हो सी टुक टुक। जो बेहद की आत्मा होगी वो तो एक शब्द सुनते ही समर्पित हो जाएगी, तन मन धन निछावर कर देगी। अब केशवदास जी वहीं से चल पड़ते हैं। आजकल की तरह तो पता नहीं था, आजकल तो मोबाइल है, कहीं से कहीं पता कर लेते हैं, किस मार्ग पर जाना है मोबाइल से रास्ता भी मिल जाता है सब कुछ, लेकिन उस जमाने में तो कुछ नहीं था, पैदल चलना है। लेकिन एक तड़फ है कि आज से चार महीने पहले इधर से हमारे धाम धनी गुजरे हैं, तो मैं उनको खोज लूँगा। वहीं से चल पड़ते हैं, बिना खाए पिए चल देते हैं। एक लगन होनी चाहिए धाम धनी को पाने की। केशवदास जी में वो तड़फ है क्योंकि ब्रह्मसृष्टि अपने आराध्य, अपने सर्वेश्वर, अपने प्राणेश धाम धनी के बिना कैसे रह सकती है। चल पड़ते हैं केशवदास जी, पूछते पूछते आखिर दिल्ली में लाल दरवाजे पहुंच जाते हैं, जहां रामचंद्र पंसारी के यहाँ श्री जी का पता चल जाता है। लाल दरवाजे में आकर श्री जी के चरणों में रहकर वाणी का ज्ञान ग्रहण करते हैं, तारतम लेकर आते हैं और जागने का विगुल बजा देते हैं। सबसे पहले उन्होंने रेवादास भगवान दास को जागृत किया। इसके अतिरिक्त केशवदास नाम के एक अन्य सुंदर साथ को भी जागृत किया। कई सुंदर साथ को जागते हैं, जागृत करते हैं। एक विट्ठल भाई भी है, उनको भी चर्चा सुनाकर जागृत किया और दिल्ली भेजा, जाकर श्री जी के चरणों में प्रणाम कराओ। वो गए भी, लेकिन उस समय औरंगजेब से शरीयत के नाम पर जो औरंगजेब ने अत्याचार कर रखा था, जो शरीयत से युद्ध चल रहा था, उससे डर करके विट्ठल भाई भाग आए घर। अब उन्होंने क्या किया केशवदास जी ने, थाना थोप्या सिद्धपुर में, थाना यानी ज्ञान केंद्र की स्थापना की। कोई मंदिर नहीं बनाया, याद रखिए, ठौर ठौर थाने दिए मेला हुआ है मध्य देश। थाने का अर्थ क्या होता है, केंद्र। हम ज्ञान का केंद्र बनाए, चितवनी का केंद्र बनाए, जहां हमारी आत्मा जागृत हो। वाणी में धाम लिखा है केवल परम धाम,
कि सौभाग्य केवल पद्मावतीपुरी को है, क्योंकि महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत अभी भी विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, और महामती जी को अंतर्धान लीला के पश्चात चबूतरे पर पधरा दिया गया था। उद्यान अवस्था में आज भी महामती जी का तन विराजमान है। आप शिष्ट के अनेक सात चिरंजीवी व्यक्तियों के बारे में सुनते हैं, अश्वत्थामा, बलि व्यास, विभीषण, ये परशुराम हैं। ये लोग स्थूल शरीर से, इनको यह योग्यता प्राप्त है कि स्थूल शरीर से अभी भी विचरण किया करते हैं, लेकिन इनका शरीर सामान्य प्राणियों वाला शरीर नहीं है कि रोटी दाल चावल खाते हों। जो पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो अपने शरीर को कल्प तक रखने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पंचभूतों पर अधिकार होने के पश्चात मृत्यु से ये परे हो जाते हैं, प्रकृति का इन पर बस नहीं चलता। यह प्रसंग श्वेतास्तर उपनिषद में दिया गया है। अब श्री जी के चरणों में जो भी सुंदर साथ आते हैं, जिनको केशव भाई भेजे होते हैं, तारतम ज्ञान ग्रहण करते हैं और पुनः अपनी आत्मा का आनंद लेने लगते हैं। थाना यानी केंद्र बनाकर, सिद्धपुर को केंद्र बनाकर केशव भाई जागने का प्रवाह चला देते हैं। आज भी समाज को यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से सिद्धपुर में केशव भाई ने केंद्र बनाकर वाणी का प्रकाश किया, आज के युग में वैसे ही ज्ञान केंद्रों की आवश्यकता है, मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। कड़वा सच यह है कि जितनी ऊर्जा हम महलों की तरह सुंदर सुंदर मंदिर बनाने में लगा रहे हैं, उतनी ऊर्जा यदि हम ज्ञान केंद्र बनाएं जहाँ विद्वानों को तैयार किया जा सके, कुछ कोई विद्वान आए ठहर जाए, वाणी का साहित्य रखा हो, वहाँ ध्यान का कक्ष हो, पुस्तकालय हो, तो इसे ज़्यादा प्रगति हो सकती है। हम यदि कलश चढ़ाने में 25-25 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, मंदिर की व्यवस्था में हर वर्ष लाखों रुपए खर्च होते हैं, इसे जागने का कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जागने को बढ़ाने के लिए ज्ञान केंद्रों की आवश्यकता है, मंदिरों की नहीं। हाँ, ज्ञान केंद्र में भी सेवा पूजा को आप पधरा सकते हैं, छोटे रूप में सेवा कीजिए, लेकिन यह सोचिए कि हम सोने का कलश ही चढ़ाएंगे तो राज्य खुश होंगे, ऐसा नहीं है। राज्य किसी को आप रिझाना चाहते हैं तो उनकी आत्माओं को जगाइए जो माया में भटकी हुई हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं। आपने वीतक में सुना होगा, जब श्री देवचंद जी देखते हैं कि कोई नया सुंदर साथ आया है तो उन्हें बहुत आह्लाद होता है। यदि कोई किसी को नए सुंदर साथ को समझा करके लाता है तो श्री देवचंद जी उसके लिए बहुत आशीष देते हैं और अपना वरद हस्त उसके ऊपर रखते हैं कि तुमने धाम धनी की बहुत बड़ी सेवा की। आज भी सारा संसार अक्षरातीत के ज्ञान के लिए प्यासा है। हमारा नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि हम छोटे या बड़े जगह जगह ज्ञान केंद्रों की स्थापना करें, जिसमें सजावट का महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व हो कि हम वाणी को प्रकाश में कैसे लाएं। हम जो बड़े बड़े भंडारे करते हैं, शोभा यात्राएं निकालते हैं, उनसे आज जागने का कोई भी लक्ष्य हासिल होने वाला नहीं है। जागने का लक्ष्य तो तब प्राप्त होगा जब सबके हृदय में हम ब्रह्मवाणी की गूंज करा दें, सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसा दें। 20-25 लाख 40 लाख खर्च करके हम एक मंदिर बनाते हैं, क्यों नहीं हम हर सुंदर साथ के हृदय में मंदिर बना देते हैं। वो मंदिर ज्ञान का होगा, प्रेम का होगा। जब सबका हृदय धनी का धाम है तो हर दिल को मंदिर बना दीजिए, अपने हृदय को मंदिर बनाइए जिसमें अक्षरातीत की अखंड शोभा विराजमान हो जाए। मंदिर को तो 4-5 साल के बाद मरम्मत भी करानी पड़ती है, हृदय में जो अक्षरातीत का सिंहासन बनता है उसकी कोई मरम्मत नहीं करानी पड़ती है। शरीर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो भी आत्मा के हृदय में वो अखंड मंदिर बना रहा है। इसलिए अखंड मंदिर की तरफ ध्यान दीजिए और उसका लक्ष्य पूरा होगा ज्ञान केंद्रों की स्थापना से। अब श्री जी वहां से चलते हैं, चलते चलते सिद्धपुर से आते हैं मेड़ता। मेड़ता में लाभानंद यति नाम के एक महात्मा रहते हैं। यति किसको कहते हैं? यति का अर्थ होता है
जो संसार से विरक्त होकर केवल ध्यान साधना में लगा रहे उसको कहते हैं यति। मुनि किसको कहते हैं? जो धर्म और तत्व का मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। ऋषि किसको कहते हैं? ऋषियों मंत्र दृष्टारह मंत्रान संप्रादो, जो वेद मंत्रों के अर्थ को समाधि अवस्था में साक्षात्कार करता है उसको ऋषि कहते हैं। महर्षि किसको कहते हैं? जो अंग उपांग सहित चार वेदों की व्याख्या कर सकता हो और समाधि अवस्था में मंत्रों के मंत्रार्थ को जानता हो उसको महर्षि कहते हैं। ब्रह्मर्षि किसको कहते हैं? जो समाधि अवस्था में ब्रह्म के तत्व को जानता हो, साक्षात्कार करता हो, उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। ये अलग अलग उपाधियां हैं। योगी किसको कहते हैं? जो योग साधना में तलीन हो, संयोग योग इत्युक्ता जीवात्म परमात्मना, जीव का और परमात्मा का मिलन ही योग है। योग का दूसरा अर्थ है समत्वम योग उच्चते, समत्व समत्व भाव को प्राप्त होना। हम दृष्टा होकर संसार को देखने लगे, सुख हो रहा है तो हम खिलखिलाए नहीं, दुख हो तो फुट फुट कर रोए नहीं, हंसना और रोना दोनों ही अज्ञानता है। आप दृष्टा भाव से देखकर संसार में प्रसन्न रहिए। एक तो होता है प्रसन्नता जो स्वाभाविक जीव की प्रसन्नता है। सामान्य प्राणी कभी खूब हंसेगा कभी खूब रोएगा, ये दोनों ही अज्ञानता मूलक है। जो ज्ञानी होगा वो मुस्कराएगा, दृष्टा भाव से देखेगा, उसको मालूम है कभी घनी अंधेरी रात है तो कभी उगता हुआ सूरज है, कभी दुख के बादल हैं तो कभी सुख की फुहारें पड़ती हैं। ये तो संसार है, कहीं मान है कहीं अपमान है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय न यो पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन, लाभ हान जय पराजय सुख दुख मान अपमान में तू समान हो जाए और उठकर खड़ा हो जाए निष्काम कर्म करने के लिए जो मैं तुझसे कह रहा हूँ। इसलिए जो महान पुरुष होते हैं बड़ी से बड़ी विपत में कभी घबराते नहीं हैं। सामान्य व्यक्ति जरा से संकट आएगा दहाड़ मारकर रोना शुरू कर देता है, लेकिन जिन्होंने अपने जान चक्षुओं से देख लिया है वो आंसू क्यों बहाएं, अधीर क्यों हों? जिनके हृदय में अक्षरातीत का सिंहासन सजा है वो घबराएं क्यों? इसलिए जो इस समत्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है वह योग की अवस्था को प्राप्त हुआ माना जाता है, उसको कहते हैं योगी। लेकिन लाभानंद यति कोई आर्ष योगी नहीं थे, वो एक तांत्रिक था और तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध कर रखा था। तांत्रिक क्रिया किसको कहते हैं? आध्यात्मिक क्षेत्र में दो चीजें चलती हैं। अध्यात्म के नाम पर जो बाजार लगता है उसमें दो तरह की दुकानें मिलेंगी, एक तो योगी महात्मा की जिसकी साधना को कहते हैं दक्षिण मार्गी, और एक जो साधना होती है वो कहलाती है बाम मार्गी जो तामसिक लोगों की होती है। आप देखते हैं समाचार पत्रों में, आप पढ़ते रहते हैं, टीवी में भी देखते हो, कई जगह तांत्रिक कहीं शराब चढ़ाते हैं, किसी की बलि दिला देते हैं, कहीं बच्चों की हत्या करा देते हैं। किसके लिए? कई जगह पेपरों में भी छप जाता है कि अमुक को बच्चा नहीं होता था, दूसरे के बच्चे का अपहरण लाए और उसकी हत्या कर दे ताकि हाँ तुम्हारे को बच्चा हो जाएगा। ये कितना पाप है। ये तांत्रिक क्रियाएं अधिकतर झूठ पर आधारित होती हैं। ये तांत्रिक क्रिया करने वाले तामसिक होते हैं, मांस का भक्षण भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, अपने इष्ट को भी शराब चढ़ाते हैं, श्मशान में रहते हैं, राख लपेटे रहते हैं, इनके हाथ में मनुष्य की खोपड़ी होती है और चमत्कार दिखाकर लोगों को डराए रखते हैं। जो इनका कहना नहीं मानता उसको अपने तांत्रिक क्रियाओं से इतने परेशान कर देते हैं कि व्यक्ति हाथ जोड़कर इनके सामने अपना सब कुछ समर्पित कर देता है कि जो आप कहेंगे हम वही मान लेंगे। श्री जी जब पहुंचते हैं मेड़ता में तो लाभानंद यति का पूरे मेड़ता पर वर्चस्व था, और अपने वर्चस्व को बनाने के लिए उसने क्या किया था? किसी भी महात्मा को वो नगर में आने नहीं देता था। पहली तो बात ये कि सबको उसने मना कर रखा था
कि मेरे अतिरिक्त जो कोई किसी महात्मा के पास जाएगा, ज्ञान चर्चा सुनेगा, उसको दंडित मैं दूंगा करूंगा। और इसी डर से कोई भी कथा चर्चा सुनने किसी के पास नहीं जाता था। उसका भय इतना फैल गया हुआ था। श्री जी जब जाते हैं तो 10 दिनों तक उससे चर्चा होती है। उसको आध्यात्मिक ज्ञान तो था नहीं, जीवन भर उसने तांत्रिक सिद्धियां कर रखी थी। तांत्रिक सिद्धियों में क्या किया जाता है, वशीकरण होता है, मारण होता है, मोहन होता है, उच्चाटन होता है, ये तांत्रिक क्रिया है। दूसरों को बस में कर लेना, इसमें क्या करते हैं, दीवार पर एक काला बिंदु बना देते हैं और उस बिंदु को एकटक होकर 3-3.5 घंटे तक लगातार यदि आप देखें, आपको ये नहीं करना है क्योंकि ऐसा करना पाप कहलाता है। 3 घंटे तक जो एकटक देख लेगा वो जिससे जो कहेगा वो करना पड़ेगा, इसको कहते हैं वशीकरण। और कुछ नहीं होता, आपकी जो शक्ति है मन और इंद्रियों की, मन की शक्ति को जब आप एकाग्र करेंगे तो मन के संकल्प से आप जो चाहें वो करवा सकते हैं, इसको सिद्धि कहते हैं। जैसे खेत में घास लगी हुई है, एक बकरी भी आएगी तो सारी घास को चर सकती है, उसमें कोई शक्ति नहीं, लेकिन सारी घास को इकट्ठा करके आप रस्सी बट दीजिए तो उस रस्सी से हाथी को भी बांधा जा सकता है। ये तो स्थूल लाभ हुआ। यदि उस घास को आप दूसरे रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, गैस के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, तो और शक्ति पैदा हो जाएगी। जैसे यदि उस घास को आपने सुखा लिया लंबी मात्रा में तो उसे आप बिजली भी बना सकते हैं, चाहे गैस के माध्यम से गैस बनाकर बिजली बनाइए या टरबाइन के माध्यम से बिजली बनाइए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक बकरी आएगी, सबको चरती जाएगी। मनुष्य की शक्ति भी चारों तरफ फैली हुई है, हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं इसलिए असहाय बने होते हैं। देखने के लिए सबका शरीर हड्डी मांस का पुतला है, हड्डियों के ऊपर चमड़े का ढक्कन है, मांस है, इसमें हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां विषयों का सेवन करती है, मन इसी में खुश रहता है, शरीर के 9 द्वारों से मलमूत्र ही निकलता है। कहने के लिए ये शरीर है अशुद्ध, लेकिन इसी शरीर से परमात्मा से मिलन होता है। यदि आध्यात्मिकता की तरफ यह शरीर चल गया तो इस शरीर की हड्डी तक पूजी जाती है, राख तक के लिए लोग तरसते हैं। जब बुद्ध का शरीर छूटा, दाह संस्कार हुआ, तो उनकी अस्थियों की राख के लिए लड़ाई होने को तैयार हो गए थे लोग कि हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। मोहम्मद साहब का बाल एक कश्मीर के मस्जिद में रखा था, हजरत बल में, वो बाल गुम हो गया था तो उसके लिए आतंक मच गया था, लगता था कि दंगे फैल जाएंगे, फिर कहीं से बाल खोज कर रखा गया। आप सोचिए, संसार में तो अरबों प्राणी हैं, प्रतिदिन हजारों लाखों मरते हैं, उनको क्या किया जाता है, आग में जला दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान परमात्मा की तरफ किया नहीं होता है। एक सती है, उसके सतीत्व के सामने सब सिर झुकाते हैं। एक वेश्या है जिसकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। मनुष्य का कर्म ही उसको तो महान बनाता है। यदि हम इस शरीर से विषय भोगों में लिप्त रहेंगे तो कौन पूछेगा, एक दिन इंद्रियों का तेज समाप्त हो जाएगा, हमारा शरीर भी मृत्यु को प्राप्त होगा और उसको आग के लपटों के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इसी शरीर से यदि आपने अपने प्राणेश्वर को रिझा लिया, आपने अक्षरातीत का दीदार कर लिया, तो आपके जीव को अखंड बेहद का अनंत सुख मिलेगा और आपकी आत्मा अपने प्राणेश्वर के साथ विहार किया करेगी। उपयोग पर निर्भर है। इस शरीर की कीमत अनमोल है और देखा जाए तो कुछ भी नहीं, उपयोग पर निर्भर है। इसलिए तो विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है कि गायंति देवा किल गीत गानी, धन्या तूति भारत भूमि भागे, स्वर्ग पवर्ग पद मार्ग भूता, भूयंति पुरुषा भूयंति भूया पुरुषा सुरत्वात्।
स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें भारतवर्ष में मानव तन दे देना, ताकि हम आपका ध्यान कर, आपकी भक्ति करके शाश्वत मोक्ष को प्राप्त कर सकें। जो स्वर्ग के देवता हैं, बैकुंठ के देवता हैं, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं है। उन्हें उन लोगों का सुख तो प्राप्त होता है, परमात्मा की सानिध्यता नहीं है उनके पास। लेकिन भारत ही वो ऋषि भूमि है, वो देव भूमि है, जहाँ ज्ञान और वैराग्य की सरिता प्रवाहित होती है। आप अमेरिका में चले जाइए, ब्रिटेन में चले जाइए, सुख सुविधा तो बहुत मिलेगी, आध्यात्मिकता नहीं मिलेगी। मांस और बियर, चमकती हुई सड़कों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा विदेशों में। वहाँ कोई सोचे कि हम दिन रात 6-6 घंटे की समाधि लगाएं, 2-2 दिन की समाधि लगाएं, तो अमेरिका में, इंग्लैंड में ये सब नहीं होगा। भौतिक सुख जितना चाहे उतना मिल सकता है। हाँ, भारत व ऋषियों की, योगियों की धरती है, जहाँ गुफाओं में, झोपड़ियों में, वनों में कोई न कोई योगी मिल जाएगा, जो सारे संसार से अलग होकर परमात्मा के ध्यान में लगा रहेगा। संसार के सारे सुखों को भोगने के बाद वो परम तत्व को देखना चाहता है, जानना चाहता है, और यही तो जीवन का स्वरूप और लक्ष्य होता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपनी वृद्धावस्था में सारे राजपाट को ठोकर मारकर वनों में जाकर झोपड़ी बनाकर रहते आए हैं, परमात्मा का ध्यान करते रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तत्ववेत्ता अपनी सारी आय उसी परमात्मा के चिंतन में लगाते रहे हैं। ये केवल भारत की धरती पर होता है। मैं वही बात कह रहा था कि दक्षिण मार्ग की जो उपासना पद्धति है वो सात्विक मार्ग से परमात्मा की आराधना करती है। जो वाम मार्गी पद्धति है वो मद्य से, मांस से, शराब से या अन्य तांत्रिक क्रियाओं से चमत्कार दिखाकर लोगों को वशीभूत करती है। आप बंगाल के जादू का नाम सुने होंगे, कामाख्या के जादू का नाम सुने होंगे। ये तांत्रिक ऐसे ही करते हैं, अपनी मन की शक्ति को एक जगह किसी मंत्र विशेष के जप में लगाते हैं। जैसे अभी एक विदेशी ने एक प्रयोग सिद्ध किया था, उसने अपने मन की संकल्प शक्ति से घड़ी की सुइयों को उल्टी दिशा में घुमा दिया था, दूर बैठे बैठे केवल देखकर। योगी क्या करते हैं, और कुछ नहीं होता। एक महात्मा जी के साथ सच्ची घटना घटी थी। उनके पास टिकट नहीं था, TTI ने उनको नीचे उतार दिया। ये मेरी जन्मभूमि के पास की घटना है। TTI ने जब नीचे उतारा तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि क्या ट्रेन तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। ड्राइवर बेचारा सारी ताकत लगाता रहा, ट्रेन एक कदम आगे नहीं बढ़ी। जब लोगों ने उनसे कहा कि उस महात्मा को आपने अपमानित क्यों किया, बेचारे TT ने आकर के पैर पकड़े, उनको बैठाया आदर से, तब ट्रेन चली। इसमें और कुछ नहीं है, योगी का संकल्प बल। वैसे ये सब कार्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना समाज को गलत दिशा में डालना होता है। लोग परमात्मा का ध्यान छोड़कर यही चमत्कारिक सिद्धियां यदि करने लगेंगे तो समाज का बहुत अहित होगा। इसलिए जो भी ध्यान की प्रक्रिया है केवल परमात्मा के दर्शन के लिए होनी चाहिए, समाज को खुश करने के लिए नहीं, क्योंकि समाज को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। ये माया का संसार आपकी सिद्धि विभूतियों को देकर आपके पास माया के लिए आएगा, परमात्मा को पाने के लिए कोई नहीं आना चाहे। इस दुनिया में लोग माया से प्रेम करते हैं। आप सिद्ध महापुरुष बन जाइए तो आपके पास तांता लग जाएगा केवल माया के लिए। हम करोड़पति बन जाए, हमारे बेटे को ये हो जाए, हमारा पोता हो जाए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, कोई ये नहीं मांगने आएगा कि हमको माया से छुड़ाकर परमात्मा का दर्शन कराइए। 100,000 लोग आएंगे तो उनमें कोई एक व्यक्ति निकलेगा जो सच्चे हृदय से चाहता होगा कि हमें माया नहीं चाहिए, हमें परमात्मा का दर्शन करना है। लेकिन जो अपना अनमोल समय केवल सिद्धियों को पाने में लगा देते हैं, उनसे बड़ा नादान, उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। इसलिए कभी सिद्धि के पीछे नहीं चलना चाहिए। जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में लगाए रखना। यत लाभानंद यति, कहलाने को यति था, त
था वो तांत्रिक और उसने ऐसी सिद्धियां कर रखी थी. जब 10 दिन तक श्री जी के साथ सत्संग होता है, लाभानंद यति को कुछ भी उत्तर आता नहीं. अब सोचा कि ये तो मेरी बदनामी फैल जाएगी कि मैं प्राणनाथ जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया. अब उसने सोचा कि रात को जब सारे सुंदर साथ सोए रहे तो मैं इनको पहाड़ से चूर चूर कर दूं, यानी इनके ऊपर पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं की वर्षा करवाकर इनको सबको मार डालूं. सब सुंदर साथ सो रहे होते हैं और वो अपने भूत प्रेतों को जो सिद्ध कर रखा था. तांत्रिक क्रियाओं में क्या होता है, जो सूक्ष्म शरीरधारी जीव होते हैं उनको प्रसन्न कर लिया जाता है और उनसे अनैतिक काम करवाए जाते हैं. विद्वानों में बहुत विवाद का विषय है कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं. आमतौर पर यह बात मानी जाती है कि जो अनपढ़ समाज होता है वो भूत प्रेत की ज़्यादा बातें करता है और विशेषकर इसकी शिकार बहनें हुआ करती हैं. किसी को कह दीजिए कि भूत है तो लोग डर जाते हैं और जितनी बातें कही जाती हैं समझिए उसमें 90-95% तो झूठी होता है. एक ने भय बैठा दिया कि उस पेड़ पर भूत रहता है तो लोग डर के मारे कोई नहीं जाते. भूत क्या है इसके बारे में एक सामान्य सी बात है समझने की. वेद में कहा गया है यमेन वायना सत्य राजन, यानी जीव जब शरीर छोड़ता है तो सामान्य नियम यह है. बृहदारण्यक उपनिषद में जो लिखा है कि जैसे एक पतंगा किसी तिनके पर अपना आगे पैर रखता है और उठाकर दूसरे पैर को उस तिनके पर रखने में जितना समय लगता है उतने ही समय में एक जीव दूसरे एक तन को छोड़कर दूसरे गर्भ में प्रवेश कर लेता है. लेकिन हर नियम के साथ अपवाद भी होता है. यदि उसके चित्त में वासना है कि मैं नहीं मरा होता, उसको मोह बना रहता है तो उसमें देरी लग जाती है. यह सब कुछ परमात्मा के निर्देश पर होता है. जिसके चित्त में जैसी वासना होती है जीव की वही गति होती है. यदि जीव अकाल मृत्यु का शिकार हुआ है, एक्सीडेंट से हुआ है, किसी और चीज़ से हुआ है और उसकी तृष्णा रह गई होती है कि मैं मरा नहीं होता या किसी को धोखे से मार दिया जाता है, तो उसका जीव कुछ समय के लिए गर्भ में प्रवेश नहीं कर पाता है. वो वायुमंडल में भटकता रहता है. वो कभी कभी किसी को दिख जाता है तो लोग कहते हैं भूत. भूत यानी प्राणी. जैसे स्थूल शरीरधारी हम हैं वैसे ही स्थूल शरीरधारी से रहित जो जीव है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीरधारी जीव. यानी भूत का अर्थ प्राणी ही होता है. किस योनि में किस जीव को जाना है, कहाँ जाना है, ये उसके कर्मों के अनुसार, उसके चित्त की वासना के अनुसार राज्य के निर्देश पर निर्भर करता है. इसलिए कभी किसी भूत से डरने की आवश्यकता नहीं होती है. कोई योगी कभी भूत प्रेतों से डरता नहीं है और तांत्रिक क्रियाओं का कभी भी किसी योगी महात्मा पर असर नहीं पड़ता है. असर किस पर पड़ता है, जिनका आत्मबल कमजोर होता है. प्रायः महिलाएं इसकी ज़्यादा शिकार होती हैं. एक घटना गोपीनाथ कविराज की मैं बताता हूँ, कई बार मैंने जिक्र भी किया होगा. गोपीनाथ कविराज का एक विद्यार्थी था. आप जानते हैं गोपीनाथ कविराज बनारस के रहने वाले थे. उन्होंने पूरा पुस्तकालय ही पढ़ डाला था. 6 महीना उन्होंने एकांत में साधना की थी और बाद में राधा कृष्ण की विशेष भक्ति में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था. उस बस्ती में जहां उनका विद्यार्थी रहता था एक ऐसे ही तांत्रिक महोदय आए. उनके पास लोगों की भीड़ लगने लगी. एक मिनट में 1000-1000 किलोमीटर से सामान मंगा देते थे कि देखो वहाँ से मैं सामान ये मंगा रहा हूँ. अब चमत्कार जहाँ होता है वहाँ तो दुनिया नमस्कार करती ही है. लोगों की भीड़ बैठ गई. उस विद्यार्थी के मन में भी जिज्ञासा हो गई कि क्यों ना मैं भी इस
विद्या को सीख लूँ। और वो तांत्रिक के पास चला गया कि मुझे भी यह विद्या सिखा दीजिए। उसने मंत्र सिखा दिया कि तुम्हें रात को इसका पाठ करना होगा। उसने कई दिन तक किया, जब उसमें सिद्धि नहीं मिली तो आकर के उस तांत्रिक से कहता है कि मैं तो इसका पाठ करता हूँ, मुझे इसकी सिद्धि नहीं मिल पा रही है। तो कहता है कि देखो, तुम करते हो गायत्री संध्या, साधना करते हो, तुम परमात्मा का ध्यान करते हो। यदि यह सिद्धि चाहिए तो तुम्हें उस भक्ति भाव को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिससे काम करवाता हूँ वो एक प्रेत है, और जब मेरा प्रेत तुम्हारे शरीर में घुसना चाहा तो तुम्हारे तेज से वह जलने लगा और उठ करके भाग खड़ा हुआ। इसलिए यदि तुम्हें यह सिद्धि चाहिए तो तुम जो संध्या गायत्री करते हो ये बिल्कुल छोड़ दो, तो मेरी सिद्धि हो पाएगी। वो सोचा कि मैं क्या करूँ, ये चमत्कार वाली विद्या सिखाऊँ कि जो गुरुदेव ने बताया है मैं वो करूँ। गोपीनाथ कविराज के पास गया, उसने पूछा कि गुरुदेव बताइए मैं क्या करूँ, मैं देखता हूँ मुझे तो कोई पूछता नहीं, वो एक महात्मा आया है उसके पास भीड़ लगी रहती है, एक मिनट में वो सामान कहाँ से हज़ार किलोमीटर से मंगवा देता है। गोपीनाथ कविराज ने कहा कि देखो, वो तांत्रिक है और तांत्रिक भूत प्रेतों की सिद्धि किए रहता है। जो तुम गायत्री संध्या करते हो इससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, तुम्हें परमात्मा का आनंद मिलेगा, लेकिन यदि तुम तांत्रिक क्रिया सीखने लगोगे तो तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद जो प्रेत अभी तुमसे तुम्हारा काम कर रहे हैं ये तुमसे काम करवाना शुरू कर देंगे और तुम जन्म मरण के चक्र में पड़े रहोगे। इसलिए भूल कर भी चमत्कार दिखाने वाली ये क्रिया सीखने का प्रयास नहीं करना। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग भूत प्रेतों को बहुत महत्व दिए रहते हैं। वो बेचारे तो अज्ञानता बस माया की तृष्णा के कारण भटक रहे होते हैं और उनकी पूजा करने वाले भी वैसे ही भटका करते हैं। जो भूत प्रेतों को खुश करके उनकी सिद्धि करके जो धन मंगा लेते हैं, चमत्कार दिखा देते हैं, मरते समय उनको बहुत कष्ट होता है और मरने के बाद पुनः उन्हें भी भूत योनि का शिकार बनना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भूतों की पूजा करने वाले किस योनि में जाएंगे, उन्हीं की योनि में, क्योंकि उन्होंने परमात्मा से अपना ध्यान हटा लिया। जो सच्चे हृदय से 10 मिनट भी परमात्मा का ध्यान करता है, उनका नाम लेता है, उसको कोई भी भूत प्रेत कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। जैसे स्थूल शरीरधारी गुंडे बदमाश होते हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों को समझ लीजिए। लेकिन यदि आपके पास आत्मबल है, परमात्मा की भक्ति है, तो ये कुछ भी आपका बिगाड़ने वाले नहीं है। अब जैसे सुंदर सा सोए रहते हैं, उसने अपने भूत प्रेतों को जो सिद्ध किया होता है, आदेश देता है कि इनको पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थरों की, शिलाओं की वर्षा करके सबको कुचल कर मार डालो। पंचवासना जहाँ देव खड़े, भीतक में लिखा है, वो सारी शक्ति लगा करके भूत प्रेत थक जाते हैं लेकिन एक कंकरी भी उठा नहीं पाते। वो हार मान करके आकर के कह देते हैं कि लाभानंद अतीत जी, हमारा इन पर कोई बस नहीं चलता। क्यों? जिनकी सेवा में सारे देवी देवता खड़े हैं उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकेगा। सुंदर साथ को भी मैं जब भूत प्रेतों से परेशान होते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। महामति के वृत्त में क्या लिखा है, बड़ी वृत्त आप पढ़िए, जहाँ ब्रह्मात्मा होती है वहाँ तो जबराइल परिक्रमा देता है। जबराइल कौन है? राज्य का जोस। त्रिगुण तुम्हारे खिलौने, वाणी में इतनी महिमा कही गई है, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रिगुण, कई विद करी तपस्या, यो कहवत वेद वचन। कीर्तन में तो स्पष्ट कह दिया है, लाड लिया लाहौद की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाके सिफत करे सुभान। दुनिया अक्षरातीत की महिमा गाती फिरती है, अक्षरातीत को खोजती फिरती है, और अक्षरातीत जाके सिफत करे सुभान, स्वयं राज्य जिनकी महिमा गाया करते हैं। आशिक का काम क्या होता है? केवल मासूक की महिमा गाना, मासूक को रिझाना, क्योंकि मासूक ही आशिक का प्राण होता है। राज्य कहते हैं
असल अर्ज के बीच में हक का नाम आसिक, रोम मेरे मेरे तुम्हारा आसिक। राजी कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूँ, वास्ते तुम्हारे कबीत के इस कंग उपजाऊँ। तुमको रिझाना मेरा काम है। कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, एक समय था जब मैं हरि के पीछे पीछे खोजता हुआ फिरता था, आज मेरा हरि मेरे पीछे पीछे चलता है कबीर कबीर पुकारते हुए। आप भी तो सोचिए, आप अपने प्राणेश्वर को इस तरह से रिझाइए कि आपका प्रीतम आपके पल पल पास हो। यदि आप अक्षरातीत से प्रेम करते हैं तो जो माया के जीव हैं, सूक्ष्म शरीर की वासना से ग्रसित होकर इतने तल्लीन हो गए हैं कि वो बेचारे उनका पुनर्जन्म नहीं हो पा रहा है, उनसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको खुश करने के लिए ओझाओं के पास, तरह तरह के झाड़ फूंक करने वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिंदू समाज को क्या कहा जाए? सुना है कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं देवी का मंदिर है, एक सिर हिलाने लगता है तो उसकी देखा देखी कई लोग सिर हिलाने लगते हैं, सिर पटकने लगते हैं। पूछा जाता है क्या क्या हो गया है, तो अमुक देवी आ गई है, अमुक भूत आ गया है। यदि वहाँ गर्म आग में लाल मिर्चा डाल दीजिए, छींक आएगी, सारे देव भूत भाग जाएंगे। होता कुछ नहीं है, एक मानसिक रोग है, और ये रोग कम होता है जिनका मनोबल कमजोर होता है। अपने हृदय में प्रीतम का ध्यान कीजिए, कोई भी भूत प्रेत आपके तेज से आपके पास तक नहीं आएगा, आपको पीड़ित करने की तो दूर की बात है। जब माया के एक छोटे से भूत से आप डर जाएंगे तो आप और क्या करेंगे। ऐसी घटना एक है, केशवदास जी श्रृंगार रस के कवि थे, एक बार श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे थे, अचानक उनका तन छूट जाता है। लेकिन उनका ध्यान तो स्त्री के श्रृंगार में था, परिणाम यह हुआ कि शरीर छूटने के पश्चात उनका जीव पुनः जन्म नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वासना उनके अंदर आ गई थी। उधर से जो भी जाता था, एक पेड़ पर उनका जीव रहने लगा, जो भी जाता था उसको नंगा कर देते थे, क्योंकि वो श्रृंगार वर्णन में लगे थे, उस अंग के सौंदर्य में खोए थे, और यही वासना उनको पुनर्जन्म में बाधक बन रही थी। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी उस वृक्ष के नीचे से उस मार्ग से जा रहे थे, बस्ती के लोगों ने कहा कि गोसाई जी आप उधर से मत जाइए, नहीं तो उस पेड़ पर वो जो प्रेत रहता है आपको भी नंगा कर देगा। गोसाई जी ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गोसाई जी भक्ति भाव वाले थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि अरे ये तो केशवदास जी हैं जो इतने बड़े कवि थे और प्रेत योनि के शिकार हैं। उन्होंने दूर से भक्ति भाव का एक दोहा बना करके बोला, केशवदास जी तुम कहाँ फंसे पड़े हो, परमात्मा की शरण गो। एक दोहा सुनने मात्र से केशवदास जी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। जैसे ये हमारा तन है, हम 84 लाख योनियों की मान्यता करते हैं, उसी तरह से सूक्ष्म शरीर में भटकने वाला जीव जब जन्म नहीं ले पाता है तो उसको प्रेत कहते हैं, भूत कहते हैं। इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब लाभानंद यति देख रहा है कि मैं प्रेतों से तो कुछ नहीं करवा पाया, तो आसन लगा करके बैठ जाता है। जितने मंत्र तंत्र उसने सिद्ध किए होते हैं सब कुछ प्रयोग करता है, आहुति देता है कि इनका अनिष्ट हो जाए, कुछ नहीं होता है। जिस तन में स्वयं अक्षरातीत लीला कर रहे हों, अक्षर ब्रह्म की आत्मा जिस तन में है, जोश जिस तन में है, श्यामा जी की आत्मा जिस तन में है, आवेश शक्ति जहाँ लीला कर रही हो, जिस अक्षर ब्रह्म के एक आदेश से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और उनकी छत्रछाया में जो ब्रह्मुनि रहते हैं, सभी देवी देवता जिनकी सुरक्षा में खड़े रहते हैं, उनको भला कौन बिगाड़ सकता है। आज हम असहाय क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। एक सिद्ध पुरुष क्या करता है, युग दर्शन में के विभूति पाद में सिद्धियों का वर्णन है। एक सामान्य व्यक्ति जब अपने मन को सन्निमित नहीं कर पाता तो असहाय व्यक्ति की तरह घूमता रहता है कि मैं शक्तिहीन हूँ, गिड़गिड़ाता रहता है, मजारों पर सिर को पटकता है, पत्थरों पर सिर को पटकता है, नदियों और वृक्षों से मन्नत मांगता फिरता है। लेकिन यदि उसके आत्मबल जागृत हो जाए
तो सोचता है कि मैं परमधाम की हिला नहीं सकती, मैं इन पत्थरों पर सिर को क्यों पटकूं, मजारों पर सिर को क्यों पटकूं। मैंने देखा है सुंदर चांद को भी, भय के मारे कभी भूमिया देवता की शरण में चले जाते थे, कभी घर के बाहर जो चबूतरा ईंट का बना होता है उस पर भी सिर को पटक लेते हैं, कभी उसको भी भोग लगा देते हैं कि कहीं ये नाराज होकर हमारा अनिष्ट न कर दें। क्योंकि निष्ठा ही नहीं है परमात्मा पर, अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है कि मैं अक्षरातीत की हिला नहीं सकती, अक्षरातीत की पटरानी और इन पत्थरों के झूठे निर्जीव जड़ों जड़ पदार्थों पर क्यों अपना ईमानदार बेच रही। ये तो तब होगा जब हमारी आत्मा के अंदर प्रियतम परब्रह्म का प्रेम आएगा। जब चारों तरफ से थक जाता है तो मौन होकर के बैठ जाता है कि अब हमारा कुछ बस नहीं चलेगा। अब जिस लाभानंद के डर से कोई आ नहीं पाता है, जब सबको पता चला कि लाभानंद तो मौन धारण कर लिया, अपने निवास के आगे बोर्ड लगा दिया कि मैं अनिश्चित काल के लिए मौन व्रत में हूँ। जब मौन व्रत में यति जी चले गए तो उनसे कौन शास्त्रार्थ करेगा। अब सारा नगर निडर हो जाता है, जैसे मधुमक्खी का झुंड आता है शहद एकत्रित करने के लिए, वैसे ही श्री जी के चरणों में पूरा मेड़ता नगर आ रहा है। अखंड वाणी चर्चा का प्रवाह चल पड़ता है। अब उसमें वाणी की चर्चा सुनकर काफ़ी सुंदर सा जागृत होते हैं, जिसमें राजा राम झांझा झांझन भाई का परिवार है। राजा राम और झांझन भाई और मकरंद, ये तीन परिवार हैं पन्ना जी में। आज भी इन तीन परिवारों के बहुत तेरे सदस्य धामी भाई रहा करते हैं। इन तीनों परिवारों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजा राम और झांझन भाई की एक बेटी थी उनके खानदान में, जिसका नाम था ललिता। अंग कुबड़ा टेढ़ा टाढ़ा था, कुरूप थी। उस ललिता के ऊपर श्री जी ने पानी का छींटा मारा था और ललिता पल भर में ही सर्वांग सुंदरी बन गई थी। एक किरंतन उतरता है, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। मेरे प्यारे मैं तुम पर बलिहारी हूं। इस प्रकरण में ललिता ने अपने भावों को व्यक्त किया है, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारू। आगे इस में कहती है, कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुकारी। जहर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़े अति भारी। तरह तरह के उद्बोधनों से इसमें समझाया गया है, ललिता के हृदय के इसमें भाव हैं कि मेरे धाम धनी मुझको जगाने के लिए आप आए। मैं तो कुबड़ी थी, काली थी, लेकिन आपने मेरे शरीर को नहीं देखा, मेरी आत्मा को देखा और मुझ आत्मा को जागृत करने के लिए आप यहाँ आए हैं। तो आप कौन हैं? कुंज बिहारी। ऊपर कुंज बिहारी, मैं परमधाम के कुंज निकुंजों में विहार करने वाले आप अक्षरातीत इस तन में विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं, तो मैं आपके ऊपर अपना सर्वस्व समर्पण करती हूँ। यही ललिता है। जब श्री जी के हाथों से पानी का छींटा पड़ते ही सर्वांग सुंदरी बन जाती है, अपना सब कुछ समर्पित करके पद्मावतीपुरी बाद में आती है और अष्टपहर की लीला में आप सुनते हैं। प्रतिदिन ललिता आती है श्री जी के चरणों में, प्रणाम करती है जब स्नान करते हैं तो, और श्री जी पानी का छींटा तब भी फेंक देते हैं, सब सुंदर सांद हंसने लगती हैं। यह लीला चलती रहती है। ये ललिता जो श्री जी के आशीर्वाद से, श्री जी की कृपा दृष्टि से सर्वांग सुंदरी बन गई थी, जैसे ब्रज में कुब्जा को श्री कृष्ण जी ने अपने स्पर्श मात्र से ठीक कर दिया था, और परमहंस महाराज से रामरतन दास जी ने भी, सहारनपुर के एक सुंदर साथ थे, उनकी भी एक बेटी थी, उसकी भी पेट टेढ़ी थी, उनके माता पिता ने लाकर
महाराज जी की गोद में रख दिया कि महाराज जी आप ही इसको ठीक कर सकते हैं। महाराज जी ने उसकी पीठ पर एक थपकी मारी और उसी का परिणाम हुआ कि वो हमेशा के लिए स्वस्थ हो गई। आप सोचिए, एक ब्रह्मणि अपने वरद हस्ते अपने पवित्र स्पर्श से उसका पीठ का कुपड़ा ठीक कर देते हैं, तो कैसे हुआ? संकल्प शक्ति से। एक ब्रह्मात्मा के हृदय में जो शुभ संकल्प होगा वो अवश्य पूरा होगा। इसलिए जाको मेहर करे मोमिन ताहे सुपने नहीं होए दो जग। यदि ब्रह्मात्मा की संगति में माया का कोई कोरा कोरा जीव भी रहता है तो निश्चित है कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पुराण संहिता में स्पष्ट कहा है करोड़ों गायत्री के जप से भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, एक ब्रह्मात्मा के साथ रहने से वार्ता करने से संसार के जीव को प्राप्त हो सकता है। परमहंस महाराज से रामतन दास जी के साथ या अन्य ब्रह्मनियों के साथ जिन जिन जीवों ने अपना समय गुजारा होगा निश्चित है कि उनका जीव किसी न किसी रूप में अखंड मुक्ति को प्राप्त हुआ होगा। जब एक फूल के वृक्ष के पास आप जाते हैं, फूल की सुगंध आपको मोहित कर सकती है, तो जिस बस्ती में जिस तन में परमधाम की ब्रह्मात्मा का वास होता है उसके आसपास भी रहने वाले कहीं न कहीं लाभान्वित होते हैं। आप राजा राम और झांझन भाई ने अपना सब कुछ श्री जी के चरणों में सौंप दिया, सारी चाबी सारी संपत्ति ला करके रख दी। श्री जी ने कहा कि देखो अब इसे राज्य की संपत्ति मानिए और आप जो व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय को कीजिए। सुंदर साध के खर्च के लिए जो भी धनराशि होती हो जो बच जाता है वो सुंदर साध की सेवा में खर्च कीजिए। आप देखेंगे लगभग 1732 का समय है, 32-33 का समय है जब श्री जी मेड़ता में रहते हैं। वहाँ से लेकर पन्ना जी तक पहुँचने तक 1740-41 तक लगभग 9 सालों से अधिक समय तक 10 वर्षों तक राजा राम और झांझन भाई ने सारे सुंदर साध की सेवा का खर्च उठाया। आप सोचिए पन्ना जी पहुँचने तक 5000 की संख्या है, 5000 सुंदर साध का 10 वर्षों तक सेवा करना कैसे संभव है? आप राज्य की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, राज्य आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। आप राज्य की सेवा के लिए पवित्र हृदय से जो भी खर्च करेंगे कभी भी घटेगा नहीं, लेकिन यदि भाव नहीं है तो आपका घटता जाएगा। राजा राम और झांझन भाई ने ये सोचा जब धामधनी ने आदेश दिया है तो हम धामधनी की सेवा में जो भी धन होगा हम अपने खर्चे से जो बच जाता है सारा का सारा भेजेंगे। और जैसे जैसे वो राज्य की सेवा करते गए उनका धन कई गुना बढ़ता गया और वो सारा का सारा धन सुंदर साध की सेवा में आता रहा। जब तक जागने लीला चलती रहेगी राजा राम और झांझन भाई का नाम स्वर्णाक्षरों तो क्या हीरे के बने हुए अक्षरों में लिखा रहेगा, परम धाम में इनकी सेवा का महत्व देखा जाएगा। अभी तो उनकी सेवा को कोई समझता नहीं है, जिसके पास धन होता है वो सेवा तो कर ही देता है, लेकिन ये इस भावना से सेवा करना कि ये धन मेरा नहीं है या धन ये राज्य का है। वेद में शिक्षा दी गई है, पुस्तकालय में ग्रंथ मिलेगा कस्य धन या धन किसका है, आप उसको निकाल करके पढ़िए तो पता चलेगा कि यह धन तो परमात्मा का है। हम अहंकारवश कहते हैं कि यह धन मेरा है, शरीर तो आपका है नहीं, घर आपका है नहीं, पक्षी जब पिंजरे से निकल जाएगा तो आपको जिस घर को आपने बनाया है आपके घर वाले ही आपको घर से बाहर निकालकर श्मशान घाट में ले जाकर जला देंगे। न शरीर आपका है न धन आपका है, आपके धन पर किसका कब्जा होगा? या तो बेटे ले जाएंगे या बेटियां ले जाएंगी, आप तो अपने साथ एक रुपया भी नहीं ले जाने वाले हैं, फिर भी मनुष्य कहते हैं कि ये मेरा धन है ये मेरा धन है, यही सबसे बड़ी भूल है। मोघम अन्नम प्रचेतसो न अर्यमाणम न सखायम, पुष्यत वेद कहते हैं केवलागो भवत केवलागी, अकेले जो खाता है वो केवल पाप खाता है। इसलिए धन पर पहला अधिकार है परमात्मा का, क्योंकि सारा धन उसी का है। दूसरा अधिकार है राष्ट्र का,
यानी आप 1 लाख की गड्डी को आग में जलाएंगे तो भले ही आपने कमाया है, आप अपराधी माने जाएंगे। आप जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति आपका उत्तरदायित्व है, इसलिए दूसरा अधिकार होता है राज्य का, राष्ट्र का। आपके पास आवश्यकता से अधिक धन है तो उसको मानवता की सेवा में खर्च कीजिए। आप सोचते हैं कि मैं 4 पीढ़ियों के लिए बचा करके रखूं, तो कहीं ना कहीं ये पाप करते हैं। दुखी मानवता के प्रति आपका उत्तरदायित्व होता है कि सबके सुख के लिए आप सोचें। यदि आपका पड़ोसी भूखा है और आपके घर में 56 व्यंजन बन रहे हैं, तो यदि आप ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पाप करते हैं। अपने पड़ोसी को दीजिए, आपके पास दुखी व्यक्ति गुजरता है उसको दीजिए। दीन दुखियों की सेवा में धन को लगाइए। आप शादी विवाह में दिखावे के खर्चे बंद कर दीन दुखियों के प्रति भी सोचिए कि इस देश में यदि कोई भूखा नंगा है और हम धन को पानी की तरह उड़ा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं महापाप कर रहे हैं। जिन्होंने ऐसा सोचा वो महान पुरुष कहे जाते हैं, और जो सोचते हैं कि यह धन मेरा है तो धन उनका होता नहीं। कभी अपनी संतान के लिए अनावश्यक धन का संग्रह मत कीजिए, क्योंकि यदि आपने अपनी संतान को संस्कार नहीं दिए तो आलसी बन जाएगी और उस धन को बर्बाद कर देगी। इसलिए अपनी संतान को गुण सिखाइए ताकि वो धन की रक्षा कर सके और धन की वृद्धि कर सके। जो भी महान पुरुष होते हैं, आप पशु पक्षियों को देखिए, एक बंदर को देखिए, अपने पीढ़ी को वो उछलना कूदना सिखा देता है। बंदर कभी ये नहीं कहता कि अपने जो उसका बच्चा होगा, बड़ा जब हो जाएगा तो फल लाला करके उसके पास संग्रह नहीं करेगा, उसको सिखा देगा इतना कि तुम खुद इकट्ठे होकर के अपने हाथ से उस तोड़ो और खाओ। यदि मनुष्य यह सोच ले कि हमें संग्रह नहीं करना है, संग्रह कब करना है, मानवता के कल्याण के लिए करना है। तेन तक तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग कीजिए, धन का संग्रह भी कीजिए तो संसार के कल्याण के लिए संग्रह कीजिए। हम गरीबों के लिए प्रतिदिन 5 रुपया निकालते हैं तो 1 महीने में 150 रुपये होते हैं और 1 वर्ष में 1800 रुपये होते हैं। आप सोचिए हर व्यक्ति इस देश का केवल 100-100 रुपये 1 वर्ष में निकालता है और 125 अरब व्यक्ति गरीबों के लिए निकालें तो कितने रुपये हो जाएंगे, कभी किसी ने सोचा है? लेकिन हम तो प्रतिदिन कितने रुपये पानी की तरह बहा देते हैं, अपनी मौज मस्ती में बहा देते हैं, क्योंकि हम मानवता के प्रति अपने कर्तव्य को भूले हुए हैं। राजा राम और झांझन भाई ने अपना सारा ध्यान लगाया किसके लिए, कि परम धाम के ये ब्रह्मनी जो जागनी कार्य के लिए निकले हैं अपना घर द्वार छोड़ करके राज्य की सेवा में निकले हैं, और स्वयं अक्षरातीत जिस तन में बैठकर लीला कर रहे हैं वो तन सबकी आत्माओं को जगाने के लिए चल पड़ा है, तो हमारा धन तो अब है नहीं, हम क्या हो गए, राज्य के एक कर्मचारी, एक सेवक। हम धन कमाएंगे केवल उतने के लिए कि हम अपने बच्चों को खिला पिला सकें, शेष जो धन बचता है वो राज्य की सेवा में जाएगा। और इस निष्ठा ने आज तक राजा राम, झांझन भाई और मकरंद के परिवार को सब में शिरोमणि पद पर पहुंचाया हुआ है। आज सुंदर साध्वी यदि आज के बीतक के घटनाक्रम से शिक्षा ले ले तो समाज में कितनी क्रांति हो सकती है। आप सोचिए 40 लाख की संख्या है हमारी, 40 लाख सुंदर साथ यदि प्रतिदिन केवल 1 रुपया इकट्ठा करें तो 40 लाख तो एक दिन इकट्ठे हो जाएंगे, और समझिए 1 वर्ष में कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। यदि 40 लाख सुंदर साथ के नाम पर 1-1 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है, सब में संगठन हो जाए तो 1 वर्ष में इतने करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे कि कई विश्वविद्यालय बन जाएंगे, और उन विश्वविद्यालयों में कितने विद्वानों को तैयार कर पूरे देश में वाणी की गूंज कराई जा सकती है। लेकिन कोई नियोजित प्रयास जैसा होना चाहिए था 300 वर्षों में अच्छी तरह से नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि हमारा धन गलत चीज़ों में खर्च होता है। मैं आज भी कहता हूँ कि आज का युग शोभा यात्राओं के लिए नहीं है। शोभा यात्राओं में बड़े बड़े रथ सजाए जाते हैं,
पटाखे छुड़ाए जाते हैं, लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया जाता है। कल्पना कीजिए, यदि एक शोभा यात्रा में 1,00,000 रुपया लगता है, तो 1,00,000 रुपये में हम 10 रुपये की एक प्रति वाली 10,000 पुस्तकें छपवा सकते हैं, या 10,000 से ज़्यादा हम DVD तैयार करवा सकते हैं, जो 10,000 परिवारों तक तो पहुँचाई जा सकती है। वो लाभ है कि तमाशे दिखाने में लाभ है। यदि आज भी हमारा समाज शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? समाज में ज्ञान की महत्ता है। हमारे समाज की भी महिमा गोपालमणि जी के कारण है, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के कारण है, फूलपुर भैया की गादी पर और जितने परमहंस हुए बाबा दयाराम के कारण है, सीताराम भैया के कारण है, या जितने परमहंस हुए मंगलदास जी के कारण है, जिन्होंने अपना तन मन धन राज्य के लिए सेवा में लगा दिया, जिन्होंने रात रात भर बैठ करके ध्यान किया, वाणी की गूंज को संसार में गुजाया, उसका महत्व है। बड़े बड़े सेठ जो आलिशान मंदिर बना देते हैं, एसी से सजावट कर देते हैं, हमें सुख सुविधा तो मिल जाएगी एसी के कमरों से, यदि हम सोने की ईंटों से मंदिर भी बना देंगे, लेकिन उससे ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा तो क्या होगा? जागृति के लिए आवश्यकता है, हमें धन का सदुपयोग सीखना होगा कि हम भविष्य में कलशों में जो धन खर्चा करते हैं, बड़े बड़े भंडारों में जो धन खर्च करते हैं, उसका सही उपयोग हो और समय समय पर उचित विद्वान तैयार किए जाएं, साहित्य का वितरण हो, सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जले, और तभी जागनी का प्रकाश तेजी से फैल सकता है। राजा रामचंद्र भाई ने ये पुनीत कार्य किया। इसके अतिरिक्त मृत्यु में काफ़ी सुंदर साध की आत्मा जागृत होती है। एक दिन श्री जी संध्या के समय टहलने जा रहे थे, मुल्ला ने बांग पर मीनार दी, ला इलाही इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह। श्री जी सोचने लगे, आखिर ये मुल्ला क्या कह रहा है, ला तो कहिया नहीं को, इलाह तो है हक, ये तो अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजरक। ये जो मुल्ला बोल रहा है कि ला इलाही इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह, इसका तात्पर्य या तो हद बेहद से परे परम धाम अक्षरातीत की बातें कर रहा है। ला क्या है? फना, जो नष्ट हो जाता है। इलाह क्या है? अक्षर, जो कभी नष्ट नहीं होता है। और इल्लाह अक्षरातीत, ये तो अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजरक। जो हम क्षर अक्षर अक्षरातीत कहते हैं, उसी का तो यह कथन कर रहा है कि मोहम्मद उसके रसूल हैं। हुक्म लेकर आया तब नाम धराया गैन, हुक्म बचाए पीछा फिरया तब सोई ऐन कैन। जब अक्षर की आत्मा को मेराज होता है, अक्षर की आत्मा परम धाम पहुँचती, तो देखा कि सब पर फरामोशी छाई हुई है। रासलीला खेल के आए ब्रारभ श्याम, 63 वर्ष तहाँ रहे वायदा किया इस धाम। अक्षर की जो आत्मा ब्रजराज में थी, वही अक्षर की आत्मा अरब में आती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के तन में। और समय आता है जब जिब्रील अक्षर की सुरता को लेकर कालमाया से ऊपर चलता है, निराकार शून्य को पार करने के पश्चात अक्षर की आत्मा बेहद मंडल से होकर गुजरती है, सरस्वरूप तक जाकर जिब्राइल रुक जाता है और कहता है कि हुजूर, यहाँ मेरे पैर चलते हैं, अद्वैत की भूमिका में मैं प्रवेश नहीं कर सकता स्वलीला अद्वैत परम धाम में। मोहम्मद कहते हैं कि मेरे हुक्म से चल, तो 2 कदम जाकर बैठ गया, कहता है कि हुजूर, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। यमुना जी से आगे नहीं जा सका, कहने का तात्पर्य सत्स्वरूप से आगे नहीं जा सका, ये लाक्षणिक अर्थ है। अब इसका तख्त आता है, यानी अक्षर की आत्मा को राज्य ने अपना इश्क दिया। इश्क मिलेगा तो दीदार होगा, इश्क बिना न पाइए ये जो नूर तजल्ला हक। इश्क बड़ा रे सबन में ना को इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जान।
यदि राज्य का प्रेम आ जाता है तो कुछ नहीं होता, यह संसार कुछ भी नहीं दिखता। जब तक राज्य का प्रेम नहीं होता तब तक हमको लगता है कि यह संसार ही सब कुछ है। और राज्य ने हमें वाणी दी है किसके लिए? मासूक हंसकर तब मिले जब हके दिया इश्क। राज्य का दीदार कब होगा? जब हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा। प्रेम के लिए क्या करना होगा? इस उपजे का प्रकरण है परिक्रमा के चौथे प्रकरण में। इनबिद साचे जागे बताएं देवरी जीवन, श्याम समाचे साचे जित बैठे चौक वतन। नख से सिख तक राज्य की शोभा को निहारना होता क्या है? ध्याता में ध्येय के गुण आने लगते हैं। ध्याता कौन है? जो ध्यान करता है। ध्येय कौन है? जिसका ध्यान किया जाता है। यदि आप प्रतिदिन उठते बैठते रावण का ध्यान किया कीजिए तो क्या होगा? रावण के संस्कार आप में आने शुरू हो जाएंगे। हमारी संस्कार विधि में क्या सिखाया जाता है कि गर्भवती माताओं को अपने कक्ष में महापुरुषों का चित्र रखना चाहिए, क्योंकि माँ जो सोचती है उसके गर्भस्थ शिशु के अंदर भी वही विचार आते हैं। जो बच्चा छोटा होता है, भले ही 2 साल का हो चाहे क्यों ना हो, उसके आसपास का जैसा परिवेश होता है सबको उसका मन मस्तिष्क ग्रहण कर लेता है। हम आंखें बंद करके यदि सोचें कि संसार कुछ नहीं है, हमारा ये शरीर मिट्टी का पुतला है, हम ये नहीं हैं, हम तो परम धाम में राज्य के चरणों में बैठे हुए हैं, और हमारे राज्य कितने सुंदर हैं कि नाखून जैसे लगता है कि करुण सूरज उसमें समा गए हों। राज्य के होठ कैसे हैं, दोनों गाल कैसे हैं, नासिका कैसी है, माथा कैसा है, घुघराले बाल कैसे हैं, गला कितना सुंदर है, हाथों की हथेलियाँ कैसी हैं, हथेलियों की लकीरें कैसी हैं, चरण कमल कैसे हैं। राज्य के एक एक अंग पर जब हमारी नज़र जाएगी, श्यामा जी की नज़र पर जाएगी, श्यामा जी की शोभा पर नज़र जाएगी, तो वो शोभा हमारे हृदय मंदिर में बसती जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि संसार आपके हृदय से निकल जाएगा। अभी तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, आपके मन में संसार बसा रहता है। कोई ना कोई बात याद आती है व्यवसाय की, नौकरी की, संगे संबंधियों की, क्योंकि आपने लाखों जन्मों से अपने चित्त में जो कचरा इकट्ठा कर रखा है वो तो निकलेगा ही। कपड़े में मैल कई दिन की पड़ी हो, जब उसमें साबुन लगाएंगे तो एक दिन तो साबुन लगाते समय आपके हाथ में भी मैल आएगी, लेकिन घबराइए नहीं, आपने कपड़े में जो साबुन लगा दिया है उससे मैल आपके हाथ में नहीं ठहरने वाली है। उसी तरह से जब आप चितवनी करते हैं तो चितवनी की प्रेम की अग्नि से पूर्व के सारे संस्कार बाहर निकलते हैं, तो आप घबरा जाते हैं कि ये तो मन ही भागता रहता है। मन तो भागेगा, मन पक्षी तबलक उड़े विषय वासना मान, प्रेम बाज की चपट में जब लग आया ना। जैसे बाज पक्षी को मार देता है, उसी तरह से मन रूपी एक पक्षी है, कब तक संसार में भागता रहेगा? जब प्रेम रूपी बाज उसको मार नहीं देता। जब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा तो 24 घंटे आपको केवल राज्य ही अच्छे लगेंगे, राज्य की शोभा आपके दिल में बसी रहेगी। जैसे आपने अपनी आंखें बंद की, राज्य की शोभा आपको झलकनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक प्रेम नहीं आता तब तक आपको प्रयास करना होगा। और प्रेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मन को शांत बनाइए, हृदय को कोमल बनाइए, शुष्क नहीं, प्रेम से भरा, सात्विक बनाइए। यदि आप मिर्च खाते हैं, यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं, तामसिक गरम मसाले खाते हैं, तो आपका मन चंचल रहेगा। आप राज्य का एक तरफ ध्यान करेंगे फिर कोई ना कोई दूसरी बात आ जाएगी, आपका शरीर भी हिलता डुलता रहेगा, फिर आप चितवनी को ही दोष दे देंगे कि चितवनी करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ अनुभव नहीं होता। अनुभव यदि करना है तो मन को इतना कोमल बनाइए कि जब राज्य का आप ध्यान करने बैठ जाएं तो संसार अपने आप हमारे हृदय से निकल जाएगा। कुछ दिनों के लिए मन भागेगा,
इसको घबराना नहीं है। ये स्थिति वैसे ही है जैसे कपड़ा धोते समय हमारे हाथ में लगने वाले मैल की होती है। काली मैल को देखकर हम घबरा जाएं कि कपड़े से काली मैल निकल रही है, तो साबुन लगाया ही तो इसलिए गया है। जब तक साबुन नहीं लगाया गया था मैल दिखती तो थी लेकिन निकलती हुई मैल नहीं दिखती थी। अब आप ध्यान की अग्नि से, प्रेम की अग्नि से उस जीव के जन्म जन्म की मैल को निकालने में लगे हैं, तो कुछ दिनों के लिए मन भागेगा, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका यौवन किस काम में आएगा, शरीर की शक्ति किस काम आएगी? यदि आप खेत में फावड़े चला सकते हैं, ईंट ढो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आधे घंटे एक घंटे का स्थिर होकर के बैठ नहीं सकते? जिस बैठने मात्र से आपको परमधाम का दर्शन हो, युगल स्वरूप का दर्शन हो, तो क्या मुश्किल है? केवल इतना ही तो करना होता है। सृष्टि में सर्वशक्तिमान अक्षरातीत को पाने के लिए केवल आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठना होता है, अपना हृदय उनको सौंप देना होता है। मेरे प्राणेश्वर, मेरा रोम रोम आपका है, मेरा हृदय आपका है, मेरे हृदय में सिंहासन बना करके विराजमान हो जाइए। इत आवो तो कहूँ बैठो बीच तखत, इंद्रावती जी की तरह आप पुकारिए कि मेरे प्राणेश्वर आपको आना ही पड़ेगा। आप सुना करते हैं आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला, इसके भाव कितने ऊंचे हैं। आप भी पुकारिए आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला, एक लड़ी परदेश मामूने मुखी नेका चल जा। आप मुझे माया के अंधकार वाली इस रात्रि में छोड़कर कहाँ चले गए हैं, मेरे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। कितनी पवित्र, कितनी ऊंची प्रार्थना है। आप राज्य से प्रेम पूर्वक कहिए तो कि मेरे धाम हृदय में आइए, उनके एक एक अंग की शोभा को देखिए, फिर देखिए उसको देखने में कितना आनंद आता है कि सारा संसार फीका लगेगा। यही है चितवनी का मार्ग। अब इश्क मिलता है मोहम्मद के रूह को, राज्य को मिलने के लिए, राज्य से मिलने के लिए उनकी आत्मा जाती है, 90,000 हरूफ बातें करती है और पुनः मोहम्मद मुस्तफ़ा के तन में वो सुरता लौट आती है। समय समय पर उनके तन से कुरान की आयतों का अवतरण होता है। मोहम्मद साहब से राज्य ने कहा कि तुमको जो मैंने 90,000 हरूफ सुनाए हैं, कहया सुबह ने मुझको हरफ 90,000, 30 तुम जाहिर कीजियो और 30 तुम पर अख्तियार, बाकी जो 30 रहे सो राखियो छिपाए, बका दरवाजे खोल सी आखिर को हम आए। मैंने जो 30,000 हरूफ जो मारिफत के कहे हैं वो तुम्हें नहीं कहना है, 30,000 जो शरीयत के कहे हैं वो तुमको कहना है, और शरीयत और तरीकत के कुछ बातें कहना, कोई कोई किसी को पात्र देखना तो तरीकत के कह देना। 30 तुम पर अख्तियार, 30 तुम्हारे ऊपर है, किसी को कह सकते हो। मार्फत के 30,000 हरूफ जो परम धाम से संबंधित है वो तुम्हें वर्णन करने का अधिकार नहीं, वो मैं स्वयं आकर के कहूँगा। अब मोहम्मद साहब के तन से जो कुरान उतरा 60,000 हरूफ में होना चाहिए, लेकिन उसके भेद को किसी से कहा नहीं गया है। जितने हरूफे मुक्तयात हैं सभी हकीकत के अंदर आते हैं। मारिफत के जो शब्द हैं, जो 30,000 हरूफ हैं, वो मोहम्मद साहब की जबान पर चढ़े ही नहीं। अब महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत विराजमान है, अक्षर की आत्मा भी विराजमान है, जबराइल जोश धनी का है वो भी विराजमान है, असराफिल भी विराजमान है और आनंद अंग श्यामा जी भी विराजमान है। इत मोहम्मद को ले चले तब अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। इत मोहम्मद को मिल चलिया, एक सामान्य अर्थ लिया जाता है कि अक्षर की आत्मा मेड़ते में आई, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। प्रकाश गुजराती के 37वें प्रकरण में एक चौपाई आती है, ए सहुमा इंद्रावती केवाणी सहुमा महामती। प्रकाश गुजराती का जब अवतरण हुआ था समय था विक्रम संवत 1715, उसमें चौपाई में कहा गया है
ये सहुमा एक इंद्रावती, ये सहुमा इंद्रावती केवाणी सहुमा महामती, इसमें जो इंद्रावती की आत्मा है वो महामती कहलाएगी। महामत किसको कहते हैं? ये पांचों मिल भई महामत वेद कते वो पहुंची शरत। अब तीन चीजें हैं, इत महम्मत को मिल चलिया तब अहमद पाया खिताब, ईसा और महम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। अब यहां तक क्या चल रहा था? यहां लो इसे का इलम। इसे का इलम क्या? यानी सतगुरु धनिष देव चंद जी का तारतम ज्ञान चल रहा था। वेद शास्त्रों की साक्षियों को दे देकर, सब सुंदर साथ को अखंड ब्रज रास की चर्चा सुनाकर, परम धाम की साक्षी देकर, सबको परम धाम की पहचान कराई जा रही थी। दो विचारधाराएं हैं, स्वामी विचारधारा और हामी विचारधारा, वेद पक्ष और कतेय पक्ष। कतेय पक्ष में कुरान और बाइबल इत्यादि आते हैं, तौरे तिंजील जंबूर कुरान चार किताबें आती हैं, और वेद पक्ष में चारों वेद आते हैं। यानी हिंदू धर्म के ग्रंथों से सदगुरु धनिष देव चंद जी चर्चा करते रहते हैं। वाणी में कहा है, महम्मद आया इसे बिने तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिल्या मेहदी मिने ये तीनों मिल भय इमाम। महम्मद आया इसे मिने का अर्थ क्या होता है? बाह्य अर्थ लेंगे कि सतगुरु धनिष देव चंद जी के तन में महम्मद आ गए, यानी अक्षर की आत्मा आ गई। प्रसंग ये नहीं है, ये अलंकारिक अर्थ है। जैसे भागवत को क्या कहते हैं, न मानो ते जय सुख जी ने पूछो जे बैठा छे माही भागवत, यानी सुखदेव जी भागवत में बैठे हैं। इसी तरह से हम तारतम वाणी को श्री जी का वांग्मय कलेवर मानते हैं। महम्मद आया इसे बिने तब अहमद हुआ श्याम, ईसा रूह अल्लाह का दूसरा जामा है जो श्री महाराज ने धारण कर रखा है। श्यामा जी का दूसरा तन श्री महाराज का है, उसमें महम्मद आया। तात्पर्य क्या है? अब मेड़ते से कतेब पक्ष की चर्चा शुरू हो जाती है। श्री जी के तन में कौन बैठा है? स्वयं राज जी। खुलासा में एक चौपाई आती है, पढ़िया नहीं फारसी ना कुछ हरफ अरब, सुनिया न कान कुरान को और खोलत मायने सब। महामती जी कहते हैं, ना मैंने फारसी पढ़ी ना किसी से अरबी पढ़ी, मैंने किसी से कुरान का एक अक्षर भी नहीं सुना, लेकिन कुरान के सारे भेद मेरे पास हैं। आशय क्या है? कुरान को कहने वाले राज्य उस तन में है, सुनने वाली अक्षर की आत्मा उस तन में है। जिस जबराइल से कुरान की आयतें अवतरित होती थी वो जबराइल भी उस तन में है, और जिस असराफिल से उसके भेद खुलने हैं वो असराफिल भी उस तन में है, और जिनके हृदय का रस मारिफत है उस श्यामा जी भी उस तन में है। जब पांचों शक्तियां उस तन में विराजमान है तो उनको दुनिया का कौन सा मौलवी मुल्ला है जो कुरान पढ़ाने जाएगा। इसलिए जैसे बांग सुनी मिराज के जीव ने विचार किया, ये मौलवी क्या ये मुल्ला बांग दे रहा है तो कह क्या रहा है, ये तो ला इला इल्लल्लाह की बात कर रहा है, अक्षर अक्षर अक्षरातीत की बात कर रहा है। अब क्यों ना हम कतेय पक्ष की चर्चा को लेकर उस औरंगजेब को सत्य मार्ग दिखाएं जो शरीयत के नाम पर सारे देश में आतंक फैलाए हुए, क्योंकि उस समय देश में औरंगजेब का राज्य था और औरंगजेब का एक ही मकसद था, सारे देश को दारुल इस्लाम बनाना, यानी इस्लाम के झंडे के नीचे लाना, सबको कलमा पढ़ाना ही उसका एक लक्ष्य था। उसी का नहीं, जो भी कट्टर पंथी लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि संसार में कोई दूसरे पंथ का अनुयायी ना रह जाए। साहेब आई इंजमी करने कार्य तीन, सो सबका झगड़ा मेट के या दुनिया ही आए दिन। मेटन लड़ाई बंधन की दूजे जादे पैगंबर, धनी आए वेद कतेब छुड़ावने, ये तीन बातें चित में धर। राज्य किस लिए आए हैं? सो सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दीन, दीन का झगड़ा दुनिया का झगड़ा सबको मिटाने के लिए। तारतम वाणी का प्रकाश देकर वेद और कतेब के नाम पर जो झगड़ा हो रहा है, मुस्लिम को मुस्लिम की हिंदुओं के हिंदुओं की तरह ये समझे सब अपने मिने जब आए इमाम। आखिर इमाम किसको कहते हैं? नेतृत्व करने वाला।
ब्रह्म सृष्टियों का जो नेतृत्व करेगा वही आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिब जमा होगा। तीन सूरतें हैं, मोहम्मद, अहमद और मेहदी। इसको दूसरे रूप में क्या कहते हैं, बसरी, मलकी और हकी। बसरी सूरत में अक्षर की आत्मा है, मलकी सूरत में श्यामा जी की आत्मा है देवीचंद जी की, हकी सूरत में महामत इंद्रावती जी को, इंद्रावती जी की आत्मा है। तीनों सूरतों को बसरी, मलकी, हकी कहते हैं या अलिफ लाम मीम कहते हैं, या दूसरे शब्दों में सतचित और आनंद कहते हैं। अलिफ कहया मोहम्मद को रूह अल्लाह ईसा लाम, मीम मेहदी पाक से ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। कुरान क्या कहता है, तारतम वाणी का कथन क्या है, अलिफ लाम मीम यानी सचित आनंद या बसरी मलकी हकी या मोहम्मद अहमद मेहदी। अब जो बीतक में चौपाई आती है, इत मोहम्मद को मिल चलिया तब अहमद पाया खिताब, इसका भाव क्या है। अब वहां से कुरान पक्ष का ज्ञान शुरू हो जाता है, कुरान पक्ष की भी चर्चा, वेद पक्ष की भी चर्चा शुरू हो गई और कुरान पक्ष की भी चर्चा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ लो इसे का इलम, मेरते तक सतगुरु धनिष्ठदेव चंद जी के द्वारा दर्शाए हुए मार्ग से वेद पक्ष की चर्चा चलती रहती है। अब सारे संसार के पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के रूप में उस स्वरूप को जाहिर होना है तो कतेव पक्ष की भी चर्चा करनी पड़ेगी। सूर्य उगता है, हिंदू उसको सूर्य कहता है, मुस्लिम उसको आफ्ताब कहता है, क्रिश्चियन उसको सन कहता है, आशय तो सबका एक ही है। उसी तरह से जो परमात्मा होगा वो सबका होगा, जैसे सूर्य सबका है क्योंकि सारी पृथ्वी को उसे प्रकाशित करना है। वो किसी भाषा का नहीं बताए, किसी वर्ग विशेष का नहीं बताए, प्राणराज्य सबके हैं, इसलिए सबके ग्रंथों से सबके सत्य की पहचान कराएंगे। परम धाम की आत्माएं किसी भी पंथ में हैं, किसी भी समाज में हैं, उनको जागरूक करना है। इसलिए अब यहाँ से प्रारंभ हो जाता है वेद कते, वेद के साथ साथ कतेव पक्ष की भी चर्चा। इसको कहते हैं इत मोहम्मद को मिल चलिया तब अहमद पाया खिताब, यानी जब कतेव पक्ष की भी चर्चा प्रारंभ हो गई तो उस तन को अहमद की शोभा मिल गई, यानी मोहम्मद पहले हुआ, मोहम्मद हुआ मेहदी, अहमद कहलाया सही, खिताब दिया जब खसमे भेली इमाम भाई। धाम धनी ने यह शोभा दी है, मोहम्मद हुआ मेहदी, जो अव्वल का मोहम्मद था। मोहम्मद का वास्तविक अर्थ क्या होता है, जिसकी अनंत महिमा हो। बसरी सूरत को दूज का चांद कहा जाता है, मलकी सूरत को पूर्णमासी का चांद कहा जाता है, और हकी सूरत को जिसको नूर मोहम्मद कहते हैं उसको क्या कहते हैं, दोपहर का सूरज कहते हैं। मोहम्मद हुआ मेहदी, अहमद कहलाया सही, खिताब दिया जब खसमे भेली इमाम भाई, यानी अव्वल का मोहम्मद ही आखिर का मोहम्मद कहलाया और मध्य में वही मलकी मोहम्मद कहलाया। ये जो शोभा है तीन स्वरूपों की, पहले में अक्षर की आत्मा के साथ राज्य का जोश लीला करता है, दूसरे में श्यामा जी की आत्मा के साथ राज्य का आवेश लीला करता है, और तीसरे में महामती इंद्रावती की आत्मा के साथ राज्य का आवेश हकी सूरत के रूप में लीला करता है। तीनों सूरतों की अनंत महिमा है, इसलिए कतेव परंपरा में तीनों के नाम के साथ मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल होता है। आतंकवादी क्या सोचते हैं, मोहम्मद हमारे हैं और मोहम्मद के नाम पर जो कलमा है गोली मारकर वो कलमा पढ़ाना चाहते हैं। जहां आतंकवादी जहां किसी दूसरे पंथ वालों को घेर लेते हैं, कहते हैं कि कलमा सुनाओ, बेचारे जिसको कलमा नहीं होता उसको गोलियों से भून डालते हैं, ये कैसा धर्म है। उन्होंने तो मोहम्मद के नाम को ही कलंकित कर दिया, मोहम्मद का अर्थ उनको मालूम नहीं, जो महिमा से परे है वो मोहम्मद है। तो मोहम्मद क्या अरब के मुसलमानों के लिए है या पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए। जिसको रबिल अलमीन कहा जाता है, मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह क्या है, रबिल अलमीन है, सारे ब्रह्मांड का है। जब वो सारे ब्रह्मांड का है तो उसके नाम पर खून खराबा क्यों करते हो, उनके नाम पर निर्दोष बच्चों और स्त्रियों को क्यों मारते हो, बेगुनाह लोगों की गर्दनें क्यों काटते हो। ये जब से कुरान उतरा है तब से लेकर आज तक कुरान के उल्टे अर्थ करके इन लोगों ने संसार में रक्त की नदी बहाई है। इनको ये पता ही नहीं
कि मोहम्मद का वास्तविक आशय क्या होता है। अब यहाँ से श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से कते पक्ष की चर्चा होती है, इसको कहते हैं ईसा और मोहम्मद मिले तो मारे दज्जाल सिताब। ईसा यानी सतगुरु धनिष्ठदेव चंद जी का तारतम ज्ञान और मोहम्मद साहब का कलमा, तीनों दोनों मिल जाते हैं तो मारे दज्जाल सिताब, यानी चाहे हिंदू के अंदर अज्ञानता हो या मुसलमान के अंदर अज्ञानता हो, दोनों को नष्ट किया जा सकता है। तारतम वाणिक में दोनों का ज्ञान निहित है, यह सारे संसार के अज्ञानता को नष्ट करने के लिए। हमें एक छोटा संप्रदाय नहीं बनाना चाहिए था, हमें तो सबके ऊपर होना चाहिए था। हमारे समाज में यदि बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए होते जो वेद और कतेब दोनों की व्याख्या कर सकते थे तो संसार में आज शांति की सरिता बह रही होती, सारे संसार में शांति का साम्राज्य होता। लेकिन हमने अकर्मण्यता से ये सुनहला अवसर तो खो दिया। अब तो आतंकवाद का ज्वालामुखी धधक रहा है, न जाने कितने प्राणी उसमें मारे जाएंगे, न जाने कब विश्व युद्ध छिड़ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमसे ये भूल हुई कि हम समय रहते नहीं चेते और उचित पुरुषार्थ नहीं किए, अन्यथा धाम धनी जय जो ये तारतम वाणी का प्रकाश दिया है, हम सुनंद खुलासा मारिफत कर और क्यामत नमा से संसार के सारे मुसलमानों को क्रिश्चियनों को समझाने के सामर्थ्य रखते थे। राज प्रकाश खटुती कलश किरंतन से हम सारे हिंदू समाज को समझा सकते थे। बीतक के लिखित में होने का यही कारण था कि हम अतीत के गौरव को समझें कि परमधाम की ब्रह्मवाणी के अवतरित होने का क्या आशय है। हम इस ब्रह्मवाणी को लेकर सारे संसार में मूल स्वरूप अक्षरातीत की पहचान करा सकते थे। अभी आप देखेंगे किस तरह से हरिद्वार में प्राणनाथ जी जाएंगे, सारे आचार्य उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनके प्रश्नों का कोई उत्तर दे नहीं पाता। लेकिन आज तो हम एक शंकराचार्य से हमें बात करना हो, किसी मंडलेश्वर से बात करनी हो तो हमको भय लगता है, क्योंकि हमारे पास तारतम वाणी का ज्ञान तो है कुछ, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण किस तरह से हो। यदि किसी आचार्य से वार्ता करनी है तो संस्कृत भाषा का धर्म ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। यदि किसी मौलवी से बात करनी है तो कुरान और अरबी का ज्ञान होना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं तो ये स्थिति कहाँ से आएगी, हम संसार का सामना कैसे कर सकेंगे और राज्य की महिमा को संसार में कैसे फैला सकते हैं। हमारे समाज के नित्य निर्देशक तत्वों ने इस तथ्य पर गंभीरता से विचार नहीं किया। हमने अपनी सारी ऊर्जा मंदिरों में लगाई, विद्वानों को तैयार करने में नहीं लगाया, साहित्य को तैयार करने में नहीं लगाया। परिणाम यह हुआ है कि आज भी हम संसार में एक डरे दुबके व्यक्ति की तरह रहते हैं। हम डिंडिम घोष की तरह संसार को नहीं कह सकते कि आओ प्राणनाथ जी की वाणी से हम तुम्हें अखंड का मार्ग दिखाते हैं, तुम्हारी भ्रांतियों को हम मिटाते हैं। अब श्री जी के साथ यह जो कारवां चल पड़ा है ये तो जाएगा ही, दिल्ली में औरंगजेब को चुनौती देगा जिसके नाम से सारा देश कांपता है, जो सवेरे सवेरे किसी हिंदू को देख लेता है तो फांसी पर चढ़वा देता है। और हरिद्वार में जहाँ हिंदू धर्म के सभी आचार्य आए होते हैं उनके बीच में डिंडिम घोष के साथ श्री जी कहते हैं कि आचार्यों तुम यह तो बताओ महाप्रलय में तुम्हारा अखंड घर कहाँ रहेगा और तुम कहाँ रहोगे। इस प्रश्न का उत्तर उनको आता नहीं, सभी नतमस्तक हो जाते हैं। हम श्री जी के पथ के अनुयायी कहलाते हैं तो हमें तो कुछ कदम उस पथ पर चल करके दिखाना होगा। यहाँ से मेरते से श्री जी के मुखारविंद से अब चर्चा प्रारंभ हो जाती है। श्री जी सब सुंदर साथ के साथ वहाँ से चल पड़ते हैं। गोकुल मथुरा होते हुए आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचते हैं। उन्होंने सुंदर साथ से कह दिया है कि सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव शाम, हम पाती पढ़ी मोहम्मद की पाई हकीकत हम। अब तो हमें औरंगजेब को चल करके जागृत करना है जिसके अंदर साकुमार की आत्मा है। परमधाम की आत्मा चारों वर्णों में तो है, कहीं कहीं मुस्लिम तन में भी आई हो है। यदि हम सारे संसार को एक अक्षरातीत की पहचान देना चाहते हैं तो हमें सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखना होगा, संसार के सभी लोगों को समझाने की सामर्थ्य रखनी होगी, स्वयं चितवनी में लगना होगा, सारे संसार को बताना होगा कि परमधाम के दर्शन के लिए चितवनी कैसे की जाती है।
हमारे समाज को तो पुरुषार्थी होना पड़ेगा, अकर्मण्य नहीं। यदि हम भी पौराणिक सनातनियों की तरह केवल घंटी घड़ियाल बजाने को ही सब कुछ मान लिए बैठे रहेंगे तो कहाँ से हम संसार में ब्रह्मवाणी को फैलाएंगे? कहाँ से हम शांति का उद्घोष करेंगे कि संसार के लोगों तुम लड़ो झगड़ो नहीं, हम प्राणनाथ जी की वाणी को लेकर आए हैं। इसलिए समाज को आत्मचिंतन करना होगा कि हम कौन सी राह अपनाएं। एक तरफ बिहारी जी की राह है गांधी परंपरा की, एक तरफ प्राणनाथ जी की राह है ब्रह्मवाणी को फैलाने की, चितवनी का मार्ग सारे संसार को दर्शाने की। बिहारी जी महाराज गांधी पर बैठे बैठे आराम कर रहे हैं नौतनपुरी में, और श्री जी उसी नौतनपुरी से चलकर सिद्धपुर होते हुए, मेड़ते होते हुए मथुरा आगरा से चलकर दिल्ली में पहुँचते हैं। किस तरह से औरंगजेब को चुनौती दी जाती है पुनः हरिद्वार में, सभी आचार्य नतमस्तक होते हैं जिनके चरणों में हम उन्हीं प्राणनाथ जी के बीतक का अनुसरण कर रहे हैं। आवश्यकता है हम अतीत के गौरव को स्मरण में लाएं कि हमारे प्राणेश्वर अक्षरातीत ने क्या करके दिखाया था। हमारा मनोबल तो वैसे ही दृढ़ होना चाहिए। आज तो संसाधन है, उस समय तो आज से 300 वर्ष पहले कुछ भी संसाधन नहीं थे, न साहित्य का संसाधन था न कुछ और था। लेकिन आज हमारे पास पुरुषार्थ नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, हमें लगता नहीं कि हम धनी की ब्रह्मांगना है, हमें भय सताता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन यह तो सोचिए, श्री जी ने अपनी पाती में लिखा था कि ब्रह्मात्माओं मैं तुम्हारे सिर पर एक पाँव से खड़ा हूँ। इसलिए हम अपने आत्मिक बल का सही उपयोग करेंगे तो अभी भी संसार के लोगों को एक प्रेम शांति और आनंद का ऐसा मार्ग मिल जाएगा जिसके लिए संसार युगों युगों से तरस रहा था। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। अब चपाई दुरे श्री महामति कहे ऐसाथ जी, इहां लो इसे का इलाम, अब महम्मद को मिल चला, कहो एक दिन आदम, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।